गुड मॉर्निंग एवरी वन, अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू एवरी वन इन दिस टुडे सेशन। और गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट एक्ट फॉर मैकबेथ, बेसिकली द सेकेंड लास्ट एक्ट ऑफ मैकबेथ, दैट इज एक्ट फॉर सीन वन। टुडे वी आर गोइंग टू सी एक्ट फॉर सीन वन फॉर मैकबेथ। नाउ गाइस, मेक श्योर यू लाइक हैव कम हियर आफ्टर रिवाइजिंग योर समरी लेक्चर्स, ओके? और इफ यू वॉन्ट, प्लीज रिवाइज दैट एक्ट 3 सीन 4 मोस्ट स्पेसिफिकली, ओके? एक्ट 3 सीन 4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दैट, बिकॉज दैट एक्ट, सो नॉट एक्ट 3 सीन 4, एक्ट 3 सीन 6, ओके? एक्ट 3 सीन 6, लास्ट सीन ऑफ योर एक्ट 3। सो इफ यू हैव रिवाइज एक्ट 3 सीन 6, सो कम हियर, यू आर हैविंग अ वेरी कॉर्डियल एंड वेरी वार्म वेलकम, राइट? So today we are going to see act 4 scene 1. As you can see, we are at the edge of our Macbeth, okay? We are at the edge, at the corner of our Macbeth. Since we are at the corner, so Macbeth will take, okay, this play will take very high jump. How I am saying this? Because now you are going to see downfall in this drama as well as the difficulty level of drama, okay? Means the downfall and difficulty level, they both are inversely proportional. Downfall will occur, the difficulty level will enhance, okay? So today we are going to see the very important scene of act 4, okay? This act 4 has 3 scenes total, okay? In which act 1 is little lengthy, act 2 is small, and sorry, act scene 1 is little lengthy, scene 2 is little short, and scene 3 is very lengthy, okay? So we try to finish this scene 1 in one shot, if it possible, or if it not, we are going to conduct it in 2 parts, okay? So let's see act 4 scene 1. Achha, ab act 4 scene 1 se start karne se pehle hum apne previous scene ko, that is act 3 सीन 6 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक्ट 3 सीन 6 में आपने देखा कि ये कोरस सीन था, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कोरस सीन है ये। कोरस सीन क्या होता है भाई? कोरस सीन जिसमें ऑडियंस को पहले से ही पता होता है कि सीन में क्या होने वाला है, इजंट इट? थोड़ा सा पहले से ही आइडिया होता है कि सीन में क्या होने वाला है ना? अब नाउ ये पूरा सीन दो लोगों के बीच में होता है, लेनॉक्स एंड एक अननेम्ड लॉर्ड है, एक अननेम्ड लाइक आप कह सकते हैं पर्सन है, उन दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, लेनॉक्स के बीच में, अननेम्ड लॉर्ड के बीच में। क्या बातें होती हैं? ये बातें होती हैं कि जो भी आज, मतलब जितना भी कुछ ये हो रहा है, जितना भी लाइक बुरी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे मैकबेथ का हाथ तो नहीं है ना? क्या मैकबेथ एक टायरेंट बन चुका है ना? टायरेंट का मतलब होता है एक बुरा रूलर, एक क्रूअल रूलर, ओके? और उससे लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, डिसऑनेस्टी से वो काम करता है, ओके? सो देयर जो इंग्लिश किंग्स हैं नॉर्थम्बरलैंड के, सिवॉल्ड हैं, ओके? दे ऑल आर रेडी टू सेव द स्कॉटलैंड फ्रॉम दिस क्रूअल रूलर। हु इज़ द क्रूअल रूलर? मैकबेथ, ओके? सो वो मैकबेथ से बचाना चाह रहे हैं इस पूरी स्कॉटलैंड को डिस्ट्रॉय होने से पहले, क्योंकि आप सबको पता है मैकबेथ जो है वो अब बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है, ओके? एक बहुत ही बुरा रूलर बन चुका है। अब वो जो भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसकी लाइफ में, थोड़ा सा भी, इवन माइन्यूट वन, वो उसे ख़त्म कर देता है, उसे मार देता है, ओके? मतलब उसने किंग डंकन को मार दिया, उसने बहुत सारे किल लाइक मर्डर किए हैं। नाउ ही बिकम रेवलस, ही बिकम डेवलस, ओके? सो वही चीज़ हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैकबेथ का ये कैरेक्टर इतना खतरनाक रूप लेता है, ओके? नाउ लेट्स कम विद आर एक्ट 4 सीन 1। एक्ट 4 सीन 1 क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, इसका एक और नाम है गाइस, ओके? एक और नाम है, इसका नाम है 3 एपरिशन सीन। क्या नाम है भाई? 3 एपरिशन सीन। वेट, एपरिशन सीन,
ओके अब ये एपरेशन क्या होता है भाई? एपरेशन का मतलब होता है एक तरीके से, अगर आपने हिंदी में सुना होगा, दे वी कॉल्ड प्रेत, है ना, प्रेत लोग जो होते हैं। हाँ, प्रेत कौन होते हैं भाई? जिन्हें मतलब जिनकी करेक्ट टाइम पर डेथ नहीं होती है, है ना। थोड़ा सा मैं स्पूकी बनाना चाहूँगा इस सीन को, है ना। जिसकी करेक्ट टाइम पे डेथ नहीं होती है, जो जिनके अंदर इच्छाएं रहती हैं, राइट, मतलब डिज़ायर्स रहती हैं जिनके अंदर। मोस्ट स्पेसिफिकली मैंने ये पढ़ा हुआ है, ओके, जिनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स रहती हैं, या जिनके अंदर मैरिज की डिज़ायर्स रहती हैं, या जिसके अंदर उनके चिल्ड्रेन की डिज़ायर रहती हैं, है ना, वो इस प्रेत योनी में कदम रखते हैं। नाउ योनी, व्हाट इज़ दिस योनी? दे आर डिफरेंट सेक्टर्स, यू कुड से, है ना। भगवान के पास भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं कि अगर इसके पास इसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई है तो इस सेक्टर में जाएगा, इस प्रेत वाले सेक्टर में जाएगा। अगर इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं तो ये आत्मा वाले सेक्टर में जाएगा, इस तरीके से। मतलब आई एम नॉट वेरी अवेयर, बट हाँ, जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दे आर डिफरेंट रूम, है ना। आप कंपार्टमेंट समझ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। जिसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है, है ना, he has attained the utmost power of almighty, he has attained everything in his life, everything is stable in his life, so wo kahan jata hai? He goes to the Baikunth. You all know, I think Baikunth is the home of Lord Vishnu and goddess Lakshmi, right? So this is all the thing. Now let's come back to the topic. Jo pret hote hain, apparitions, jinhe hum kehte hain pret, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सॉरी ब्लैक कलर तो वैसे भी नहीं दिखेगा, जिन्हें हम कहते हैं प्रेत, ओके। तो ये जो प्रेत होते हैं, ये वही होते हैं जिनकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं, वो स्पेसिफिकली सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैकबेथ में एक्ट फॉर सीन वन में आपको 3 एपरेशंस दिखेंगे, 3 प्रेत दिखेंगे, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज 3 एपरेशन सीन। अब वो 3 एपरेशंस कौन कौन से हैं, है ना, वो 3 एपरेशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले भाई, सबसे पहले दिखता है एक सीवर्ल्ड हेड, ओके, अ सीवर्ल्ड हेड, सीवर्ल्ड का मतलब क्या होता है? कटेड, मतलब कटा हुआ, isn't it? A severed head, मतलब एक कटा हुआ सिर दिखता है, only सिर, okay, no body, only सिर। तो ये हमारा first apparition हो गया, first प्रेत है ये हमारा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। Next प्रेत आपका बनता है, next प्रेत है आपका a bloody infant, एक bloody बच्चा, एक bloody छोटा सा बच्चा, a bloody baby, you could say, है ना। और थर्ड आपका क्या होता है, थर्ड एपरेशन आपका होगा रॉयल चाइल्ड, एक रॉयल चाइल्ड है, एक रॉयल इन्फेंट है, ओके, इन्फेंट का मतलब बच्चा होता है, जिसके सिर पर एक पेड़ है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट फनी, बट या दिस इज़ अ प्रेत, ओके। सो अ रॉयल इन्फेंट हैविंग अ ट्री ऑन हिज हेड, हैविंग अ ट्री on head, okay, समझ जाइए प्लीज। सो 3 लोग यहाँ पर, 3 प्रेत आपको देखने को मिलेंगे, a severed head, मतलब एक कटा हुआ सिर, सिर्फ कटा हुआ सिर है, उसकी बॉडी नहीं है, एक ब्लडी बेबी, एक ब्लडी इन्फेंट, है ना, जो जिसके ऊपर खून है बहुत सारा, ठीक है, एंड अ रॉयल इन्फेंट हु इज हैविंग अ ट्री ऑन हिज हेड, ठीक है, 3 लोग मिलते हैं। अब देखिए, सिर्फ यही 3 नहीं है, और भी बहुत सारे प्रेत होते हैं, लाइक और भी बहुत सारे डेमन्स होते हैं, ओके, सो लाइक ऑफ 8 किंग्स होते हैं, है ना, 8 किंग्स आपको आगे पता चलेगा, देयर आर 8 किंग्स, एंड गोस्ट ऑफ बैंक्यो वॉज ऑल्सो देयर, गोस्ट ऑफ बैंक्यो भी वहीं था, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं मैकबेथ को बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे, जो भी मतलब कनेक्टेड है मैकबेथ से, जो भी लोग कनेक्टेड हैं उसे वो लोग दिख रहे थे, लाइक ऑफ 8 किंग्स, 8 किंग्स में आपके पास होते हैं लाइक ऑफ किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, ओके, स्टॉट किंग ऑफ लाइक स्कॉटलैंड, रॉबर्ट सेकेंड, रॉबर्ट थर्ड जो है वो किंग्स हैं, और आपके पास
सिक्स जेम्स हैं, सिक्स रूलर्स हैं जिनका नाम जेम्स है। तो ये सारे हमारे कौन हो गए, एट किंग्स हो गए। ओके, एंड बैंक्यो का गोस्ट है, और फिर थ्री एपरिशंस है। ये इतने सारे लोग आपको दिखेंगे इस पूरे सीन में, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीन है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद रखनी हैं। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, अपनी टेक्स्ट के ऊपर लिख सकते हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं उधर लिख सकते हैं। देवर थ्री एपरिशंस, ओके, अ सेवर्ड हेड, ओके, कटा हुआ सिर, अ ब्लडी बेबी एंड अ रॉयल इन्फेंट हैविंग अ ट्री ऑन हिज हेड। ओके, फिर हम देखेंगे एट किंग्स को, राइट गाइस, क्या देखने वाले हम एट किंग्स को। अब एट किंग्स में कौन कौन आ रहे हैं आपके पास, देखिए एट किंग्स में आपके पास हैं, द फर्स्ट इज स्ट्रॉल्ड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्ट्रॉल्ड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, है ना, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट आपके पास रॉबर्ट सेकंड, सेकंड सॉरी रॉबर्ट सेकंड, रॉबर्ट थर्ड एंड अदर सिक्स रूलर्स, क्या होंगे, अदर सिक्स रूलर्स जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपका जेम्स। ठीक है, तो ये चीज देखेंगे, एट किंग्स हैं यहां पर, स्ट्रॉट किंग ऑफ स्कॉटलैंड नंबर वन, रॉबर्ट सेकंड, रॉबर्ट थर्ड, दीज थ्री एंड सिक्स अदर। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, एट किंग्स हो गए, अंडरस्टूड। सो दीज आर द एट किंग्स, आप अपनी बुक में लिख सकते हैं ये एट किंग्स थ्री, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, एट किंग्स में कौन है, स्ट्रॉट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, नेक्स्ट रॉबर्ट सेकेंड, रॉबर्ट थर्ड, सिक्स रूलर्स नेम जेम्स। ठीक है, या अभी दोबारा बात करेंगे तो दोबारा हम इसी पे आएंगे, पर चलिए पहले हम समझ लेते हैं हम अपने सीन को। गाइस वन मोर थिंग, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो रह रही थी। देखिए विचेस ने जब वो मैकबेथ गया था, विचेस के पास अभी जाएगा मैकबेथ, ये पूछने जाएगा कि उसकी मौत कैसे होगी, राइट, उसे कौन मारेगा, उसे कैसे मारेगा। तो जो विचेस हैं वो उसे थ्री वार्निंग्स देती हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। थ्री वार्निंग्स ये सब आपको लिखना है, दैट्स व्हाई आई वाज राइटिंग, है ना, इसलिए मैं राइट कर रहा हूँ सारी चीज़ें जिससे आप लिख सकें, इज़न्ट इट। तो थ्री वार्निंग्स आपको याद रखनी है, और इस सीन को हम थ्री वार्निंग सीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वार्निंग आपके पास क्या होगी, फर्स्ट वार्निंग आपके पास क्या होगी, फर्स्ट वार्निंग आपके पास होगी कि जो विचेस हैं, जो फर्स्ट एपरिशन है, ओके, दे आर थ्री एपरिशन, मैंने अभी आपको बताया, तो वो तीनों एपरिशन एक एक क्या देते हैं, वार्निंग देते हैं मैकबेथ को कि अगर ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ होने लगें तो समझ लेना तुम्हारी मौत आ चुकी है। ओके, तो इसीलिए इन चीज़ों से बचकर रहना है तुम्हें। ठीक है, तो पहली वार्निंग जो फर्स्ट एपरिशन देता है मैकबेथ को, वो देता है कि आपको मैकटफ से, है ना, आपको मैकडफ से बचकर रहना है। ओके, सो फर्स्ट वार्निंग इज वी अवेयर अबाउट मैकबेथ, बी अवेयर फ्रॉम मैकडफ, सॉरी, आपको मैकडफ से बचकर रहना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैकडफ से बचकर रहना है, फर्स्ट वार्निंग ये हो गई। ओके, अब नेक्स्ट वार्निंग क्या होती है भाई, आपको क्या करना है, दैट देखिए नेक्स्ट वार्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वार्निंग ये है कि कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी मदर के स्टमक से, अपने मदर के स्टमक से नहीं बर्थ लिया है, मतलब अपने मम्मी के पेट से जिसने जन्म नहीं लिया है, वो तुम्हें नहीं मार सकता। तो नो मैन बर्थेड या बोर्न फ्रॉम अ वूमन,
ओके, वो इंसान कभी तुम्हें आराम हार्म नहीं कर सकता जो एक वूमन से बॉर्न नहीं लिया है, मतलब एक औरत से जिसने जन्म नहीं लिया है ना, वो तुम्हारा कभी भी हार्म, वो तुम्हारा कभी भी दुश्मन नहीं बन सकता। ओके, मतलब जिसने एक वूमन से, ऑब्वियसली हम सब किससे जन्म लेते हैं, एक वूमन से जन्म लेते हैं, हम सब को अपनी, हमारी जो मम्मी होती हैं वही तो जन्म देती हैं, इजंट इट। तो जो सेकंड विच है, वो सेकंड प्रोफेसी है या सेकंड वार्निंग है, वो आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी इंसान जिसने अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है, समझ आ रहा है, अपनी माँ से पेट, मतलब अपनी माँ से जन्म नहीं लिया है, वो तुम्हारा कभी भी मतलब बुरा नहीं कर सकता। जो भी इंसान तुम्हारी मम्मी के पेट से है ना नहीं जन्मा है ना नहीं जन्मा है, वो तुम्हारा बस बुरा कर सकता है, और जो तुम्हारी मतलब जो मम्मी के पेट से जन्मा है वो तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? तो ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं, हम सब का क्या होता है, हम सब अपनी मदर के स्टमक से ही जन्म लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं से भी आ जाते हैं, नहीं है ना। तो ये सेकंड जो प्रोफेसी है या सेकंड वार्निंग है, वो भी मैकबेथ को क्या लगती है, बहुत यूजलेस लगती है, मतलब ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसने अपनी माँ के पेट से जन्म ना लिया हो, हर कोई अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है, इजंट इट। तो ये सेकंड वार्निंग मैकबेथ की, मतलब विचेस की ये थी। अब थर्ड एपरिशन थर्ड वार्निंग देता है, एंड थर्ड वार्निंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड वार्निंग में क्या आता है कि जब तक बिरनाम ट्री, देयर इज अ ट्री नेम बिरनाम, एक बिरनाम ट्री नाम का एक ट्री है, ओके, जब तक बिरनाम ट्री हिल ड्यूसिनेन पर नहीं पहुंच जाता है, ओके, ड्यूसिनेन इज अ हिल, ओके, एक हिल है, यहाँ पर मैं बना के देखता हूँ, ओके, सपोज ये एक ड्यूसिनेन हिल है, ओके, और यहाँ पर आपका पेड़ खड़ा है बिरनाम, ओके, जब तक बिरनाम की जड़ें यहाँ नहीं पहुँच जाती, इस हिल पर नहीं पहुँच जाती, तब तक तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अब जो रूट्स होती हैं पेड़ों की, वो हमेशा नीचे जाती हैं, कभी वो ऊपर उठकर नहीं आती हैं, ये आपने सुना है ना, रूट्स हमेशा नीचे नीचे फैलेंगी, कभी वो ऊपर उठ के तो नहीं आएंगी, इजंट इट। तो ये भी मैकबेथ को क्या लगा कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो मैकबेथ को क्या लगा, मेरी मौत हो ही नहीं सकती, इजंट इट, क्योंकि ये सारी जितनी भी वार्निंग बताई हैं विचेस ने या एपरिशंस ने, कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, ओके, सो अनटिल बिरनाम डज नॉट क्लाइम ऑन ड्यूसिनेन ट्री, ड्यूसिनेन हिल, ओके, सो ड्यूसिनेन हिल एन एन ई, ओके, एन ए एन ई, डी यू एन एस आई एन ए एन ई। तो ये तीन वार्निंग आप याद रखेंगे, लिख लीजिए प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैंने जितना भी क्रिस्प मैनर था, जितना भी मतलब पूरा समरी थी इस पूरे प्ले एक्ट सीन की, सॉरी, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, सारी लिखवा भी दी है। अब देखिए ये जो है, ये मेन चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें आपको अलग लिखवा दी हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। दी आर द थ्री वार्निंग, क्या है ये थ्री वार्निंग्स, जो थ्री एपरिशंस ने दी थी। फर्स्ट एपरिशन ने क्या कहा था कि मैकटब से बचकर रहना, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा गाइस, आगे पता चलेगा आपको कि जो मैकटब है वही ऐसा पर्सन था जिसने अपनी माँ के पेट से नेचुरली जन्म नहीं लिया था, उसे क्या किया गया था, उसे निकाला गया था। पहले का मैथड आपको पता है, नेचुरल मैथड्स होते थे, मतलब पहले जो बच्चे होते थे वो नेचुरल तरीके से फ्रॉम द वजाइना ऑफ द लेडी, फ्रॉम द वजाइना ऑफ द वूमन से निकाले जाते थे बेबीज़ को, ओके, सर्विक्स से, वजाइना, पूरा बायो का पार्ट है ये, है ना, ऐसे निकाला जाता था नेचुरल तरीके से, है ना। अब तो ऑपरेशंस होते हैं बहुत सारे, राइट, तो जो मैकटफ था वो एक ऐसा पर्सन था पहले के ज़माने में कि उसे पेट फाड़ कर, उसका पेट चीर कर उसे निकाला गया था, समझ आ रही है बात, उसका पेट चीर कर उसे निकाला गया था। तो आगे आपको पता चलेगा कि मैकटफ ही ऐसा पर्सन था, दैट्स वाई द विचेस, द एपरिशन हैज टोल्ड मैकबेथ टू बी अवेयर फ्रॉम मैकटफ, क्यों, क्योंकि मैकटफ ही ऐसा पर्सन है जो मैकबेथ को मारेगा, मेक श्योर, रिमेंबर दिस थिंग,
ठीक है, क्योंकि मैकडफ ही है जो जिसने नेचुरल तरीके से अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, उसे पेट फाड़ कर, उसकी माँ का पेट फाड़ कर उसे निकाला गया था, वो आगे बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट बॉर्न फ्रॉम अ वूमन, जो भी वूमन से जिसने जन्म नहीं लिया है ना, वो क्या, वो मतलब मैकबेथ को मारेगा। जो मैकडफ है उसने वूमन से जन्म नहीं लिया था, वो आपको आगे पता चलेगा दैट उसने लाइक एक वुल्फ की खाल होती है उसमें से उसे निकाला गया था, ओके, वो आपको मैं आगे अभी बताऊंगा, है ना। और जब तक ब्रनाम थ्री डिसिनेन हिल को क्लाइंब ना करने लगे तब तक आपकी मौत नहीं हो सकती। तो आगे चल के जो बेरनाम ट्री हैं वो भी क्या करने लगेंगे, ड्यूसिनेन पर चढ़ने लगेंगे। देखेंगे आप लोग कि उसकी रूट्स जो हैं वो ड्यूसिनेन हिल पर चढ़ने लगेंगी, और तभी मैकबेथ समझ जाएगा कि अब उसकी मौत पास है और वो सरेंडर कर देगा अपने आप को, ठीक है। तो ये तो पूरी मैकबेथ की अंत तक की कहानी मैंने आपको बता दी, ओके। अभी ये लिख लीजिए थ्री वार्निंग्स, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ऑब्लिगेटरी। या आप समझिए, आप चलते हैं हम अपने प्ले की तरफ। या ये इतनी अच्छी बात थी, मैंने आपको सारी जितना भी कहते नहीं समरी जो होता है वो सारी मैंने समरी आपको यहाँ पे बता दी है, ओके। सो अब मैकबेथ जा रहा है विचेस से मिलने, ठीक है, अपनी आगे की फ्यूचर प्लानिंग को लाइक अ फ्यूचर प्रिडिक्शन करवाने कि आगे मेरे साथ क्या होगा, ओके। सो सीन वन जो है वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है, अ कैवर्न। कैवर्न का मतलब क्या होता है भाई, एक गुफा, केव, दिस इज द ओल्ड इंग्लिश। तो कैवर्न का मतलब यहाँ पे क्या होगा, केव, गुफा, ओके। नेक्स्ट इन द मिडिल अ बॉइलिंग कॉल्ड्रोन, अ बॉइलिंग कॉल्ड्रोन, एक बॉइलिंग कॉल्ड्रोन है। कॉल्ड्रोन कैसा होता है, देखिए ये होता है कॉल्ड्रोन, सी दिस इज अ कॉल्ड्रोन, है ना। आपने देखा होगा, अगर आपने लाइक छोटा भीम कार्टून देखा होगा गाइस, तो उसमें जो विच होती थी है ना, एक बहुत ही पतली सी विच होती थी, है ना, तो वो जो हमेशा एक लिक्विड प्रिपेयर करती रहती थी, ग्रीन कलर का लिक्विड इस तरीके का, जिस बर्तन में करती थी उस बर्तन को ही हम क्या कहते थे, कॉल्ड्रोन, ठीक है। कॉल्ड्रॉन विचेस के वो पॉट्स होते हैं जिसमें विचेस अपना जितना भी लिक्विड होता है, जितना भी स्पेल होती हैं, जितने भी जादू वगैरह होते हैं, वो सब उसी में डालते हैं। नीचे क्या होता है आपका भाई, नीचे आपके इस तरीके से फायर होती है ना, फायर जल रही होती है भाई, राइट। ऊपर आपका क्या हो रहा होता है, कुछ लिक्विड बनना होता है, दिस इज़ योर लिक्विड, यहाँ पर कुछ लिक्विड बनना होता है जो कि विचेस जादू के लिए प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके कुछ इस तरीके के स्मोक टाइप या बबल टाइप उठते हैं, ऊपर जाते हैं, इज इट, तो पूरा एक कॉल्ड्रॉन हो गया, ओके। यहाँ पर विचेस के जितने भी जादू वगैरह होते हैं वो सब चलते हैं, होते हैं, समझ आ रहा है। सो दिस इज वॉट अ कॉल्ड्रॉन। नेक्स्ट थंडर Enter the three witches. अब मौसम कैसा है, थंडरिंग का है, ओके, द वेदर इज ऑफ थंडरिंग, जो कि शुरू से ही चलता आ रहा है, थंडरिंग का वेदर है। थ्री witches एंटर करती हैं। अब फर्स्ट witch कहती है, थ्राइस द ब्राइडेड कैट हैट म्यूट, मतलब जो पहली चुड़ैल है, फर्स्ट witch, अभी ये जो हमारी थ्री witches थी, थ्री weird sisters, वही हैं ये, ठीक है, कोई एपरेशन या कोई भी ऐसे कुछ नहीं आया है, सिर्फ थ्री विचेस बातें कर रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो फर्स्ट विच कहती है कि जो ब्राइंडेड कैप कैट है, ब्राइंडेड का मतलब होता है जिसके ऊपर स्ट्रैप्स पड़े होते हैं, वो बिल्ली जो मतलब जिसके ऊपर स्ट्रैप्स पड़े होते हैं, ब्राइंडेड कैट मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट, सी दिस इज अ ब्राइंडेड कैट, ये क्या है, एक ब्राइंडेड कैट है जिसके ऊपर ब्राउन और ब्लैक कलर के लाइक स्ट्रैक्स पड़ी हैं, स्ट्रीक्स पड़ी हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट योर ब्राइडिंग कैट, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने जल्द। सो जो ब्राइडेड कैट है, जो धारीदार बिल्ली है, उसने तीन बार आवाज़ निकाली, तीन बार म्यू करा, ओके। तो फर्स्ट विच कहती है कि जो बिल्ली है उसने तीन बार आवाज़ निकाली, तीन बार उसने म्यू करा, ओके। तभी सेकंड विच करती है, थ्राइस एंड वंस द हीट पिग वाइंड, क्या तीन बार, और जो हीट पिग है, ओके, जो हेड पिग है, हेड पिग ये होता है, देखिए दिस इज हेड पिग, ओके, ये स्पाइनी ऑर्गेनिज्म होता है, स्पाइन्स होते हैं इसके ऊपर, ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेड पिग, ओके,
हेड पिग से आपको लग रहा होगा कोई पिग होगा, नो इट इज़ नॉट अ पिग, इट इज़ स्मॉल एनिमल्स हैविंग स्पाइन्स ओवर हिज बॉडी, इसे हिंदी में हम सेई कहते हैं, आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट हमारे यहाँ पर इसे सेई कहते हैं, मतलब हम लोग एक बार ये हमारे घर पर आई भी थी, काफ़ी दिन रही थी, 2-3 दिन, राइट, नॉट ऑकवर्ड बट यप, इट्स अ वेरी स्मॉल एंड वेरी क्यूट एनिमल. सो जो सेकेंड बच्चे वो कहती है क्या तीन बार म्यों करा, तीन बार बिल्ली ने म्याऊं करा, और एक बार जो हीट पिग है मतलब जो ये स्पाइनिंग ऑर्गेनिज्म है इसने तीन बार वाइन किया, वाइन मतलब तीन बार ये भी रोई, ठीक है, इस सॉरी तीन बार नहीं वंस द हीट पिग वाइंड, मतलब और ये एक बार ये जो हीट पिग है ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको दिखाया था ही हॉग, ये तीन बार इस ये रोया, ठीक है. तो दोबारा देखेंगे, फर्स्ट विच कहती है कि ये जो धारीदार बिल्ली है ये तीन बार इसने आवाज़ निकाली, तीन बार म्याऊं करा, तभी सेकंड विच करती क्या तीन बार, और ये जो मतलब हमारे पास से ही है जिसे मैं कह रहा हूँ ये जो ही हॉग है या ही पिग है इसने एक बार रोई, ये एक बार इसने बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट किया. देन थर्ड विच कहती है अब ये जो कैट है और ये जो पिग है ये कौन है, दीज ऑल आर द फैमिलीज, ओके ये सारी फैमिलीज़ हैं जैसे हम अभी तक देखते आए हैं कि एक्ट वन सीन वन में जितने भी लाइक टोट थे या ग्रे मेल्किन कैट थी, है ना, तो वो सारी इसकी फैमिलीज थी विचेस की, ऐसे ही ये भी फैमिलीज हैं इन विचेस की. तो सेकंड विच भी कहती है कि सॉरी थर्ड विच कहती है हार्पियर क्राइस दिस इज टाइम, और जो हार्पियर है ओके हार्पियर इज अ डेमन, एक राक्षस है हार्पियर, ओके मतलब आप कह सकते हैं थर्ड विच की जो स्पिट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इन विचेस ने बहुत सारी स्पिट्स को कैप्चर करके रखा है, तो ये सारी जो हैं ये विचेस हैं एक ऑर्गेनिज्म के रूप में, ओके ऑर्गेनिज्म के रूप में कौन है, दीज आर द विचेस, दीज आर द स्पिरिट्स बेसिकली, जिन्हें कैदी बना दिया है, जिन्हें पकड़ लिया गया है बाय द विचेस, ओके. तो जो थर्ड विच है वो भी यही कहती है कि हार्पियर क्राइस, हार्पियर का मतलब है एक राक्षस, ओके थर्ड विच का एक राक्षस, तो जो हार्पियर है जो राक्षस है वो भी चिल्लाता है कि ये टाइम आ चुका है, इट्स टाइम मतलब दिस इज द टाइम, यही एक टाइम है, ये टाइम आ चुका है, कौन सा टाइम कह रहे हैं, विच टाइम दे आर डूइंग, क्योंकि अब जो कॉल्ड्रॉन है ओके जो कॉल्ड्रॉन मैंने अभी आपको दिखाया ये इस पर इंग्रेडिएंट्स डालने का टाइम आ चुका है, ठीक है, इसमें इंग्रेडिएंट्स इसलिए डाले जा रहे हैं, देखिए जो विचेज होती हैं वो अपना जादू जो है वो कई सारी गंदी चीज़ें डालकर बनाते हैं, लाइक किसी ने बिल्ली की पूंछ डाल दी, किसी ने किसी की उल्लू की आँख डाल दी, किसी ने पंजे डाल दिए, किसी ने कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी पार्ट्स पड़ते हैं ऑर्गेनिज्म की, जो एनिमल्स हैं ह्यूमंस हैं उनके बॉडी पार्ट्स इस लाइक मिक्सचर में डाले जाते हैं तभी इसका जादू जो है वो काम करता है, समझे. तो इसलिए जो थर्ड विच है वो कह रही है कि मेरा जो राक्षस है, मेरा जो फैमिलियर राक्षस है वो चिल्ला रहा है कि ये टाइम आ चुका है, दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर पुटिंग द इंग्रेडिएंट्स को डालने का सबसे बढ़िया टाइम है. अब फर्स्ट विच क्या कहती है, ध्यान से समझेंगे इसका. फर्स्ट विच कहती है राउंड अबाउट द कॉल्ड्रन गो इन द पॉइजन्ड एंट्रेल्स थ्रो टोड दैट अंडर कोल्ड स्टोन डेज एंड नाइट हैज 31 स्वेल्टर्ड वेनम स्लीपिंग गॉट बॉइल दाउ फर्स्ट इन द चार्म्ड पॉट. देखिए अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म पड़ते हैं इस स्पेल में, इस जादू में कितने सारे ऑर्गेनिज्म पड़ते हैं, ओके. तो फर्स्ट पेज कहती है कि राउंड अबाउट द कॉल्ड्रन को, मतलब चलो इस कॉल्ड्रन के चारों ओर नाचते हैं, चलो इस मटके के चारों ओर नाचते हैं इन द पॉइजन एंट्रेल्स थ्रो, और चलो हम इस जहरीली एंट्रेल्स को, एंट्रेल्स कहते हैं आंतों को, इंटेस्टाइन्स जो होती हैं ना हम लोगों की, इंटेस्टाइन्स होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे ही हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश की मतलब भाषा में क्या कहते हैं एंट्रेल्स. तो कहना चाह रही हैं कि चलो अब पहला इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं, और पहला इंग्रेडिएंट इसमें क्या जाएगा हमारा, जहरीली आंतें, जहरीली अंतड़ियाँ,
है ना, चलो फेंक दो इन जहरीली आंतों को इस लिक्विड में, ओके, टोड दैट अंडर कोल्ड स्टोन डेज एंड नाइट हैज 31 स्वेल्टर्ड वेनम स्लीपिंग गॉट। और ये टोड जो 31 दिन तक, जो 31 डेज तक इस ठंडी चट्टान पर लेटा रहा और उल्टी करता रहा, मतलब वॉमिटिंग करता रहा जहर को, मतलब जो टोड है वो ठंड की रातों में एक चट्टान के नीचे लेटा रहा ठंड से बचने के लिए, फिर भी वो ठंड से बच नहीं पाया और वो वॉमिटिंग करने लगा, उसकी तबीयत ख़राब हो गई ठंड की वजह से, ओके। वो एक महीने तक, 31 डेज तक वो क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है। तो सबसे पहले इस मैजिक कॉल्ड्रॉन में इसे डालना चाहिए, मतलब सबसे पहले बॉयल दाओ फर्स्ट इन द चार्म्ड पॉट, मतलब इस लाइक इस टोट को सबसे पहले इस कॉल्ड्रॉन में डालना चाहिए, सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा यही बनना चाहिए। रुको, पहले हम आते नहीं डालेंगे, पहले हम इस टोट को डालेंगे जो 31 दिन तक ठंडी चट्टान के नीचे बैठकर उल्टियां करता रहा, वॉमिटिंग करता रहा, ओके। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा यही होगा, फिर हम पॉइजनस एंट्रेल्स डालेंगे, फिर हम पॉइजनस अंतड़ियाँ डालेंगे, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट्स की बात की गई है, पहला आते है ना, जो इंटेस्टाइन है वो, ओके, और दूसरी क्या है, टोड। वो टोड जो 31 डेज तक एक रॉक के नीचे दबा रहा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट, तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है, इतना ही समझाने मैंने काफ़ी वक्त लिया है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, फिर सभी क्या कहते हैं, यहाँ पर एक लाइक मैजिक स्पेल बोला जा रहा है, एक मंत्र आप कह सकते हैं बोला जा रहा है, ओके, और ये मंत्र आपको बार बार दिखेगा, डबल डबल टोइल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, मतलब डबल डबल टोइल एंड ट्रबल, मतलब दो बार इसे हिलाओ, दो बार इसको हिलाओ, और टोइल का मतलब होता है हार्ड वर्क, टोइल एंड ट्रबल, और इसे हिलाने में तुम्हें मुसीबत आएगी, तुम्हें हार्ड वर्क, मतलब तुम्हें हार्ड वर्क लगेगा, क्योंकि हमने इतने भारी भारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं और इसमें इतने भारी भारी इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे कि इसे चलाने में तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है, इसे स्टर करने में तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है और बहुत परेशानी का सामना तुम्हें करने वाला है, बट फिर भी तुम्हें इस बबल कॉन्ड्रॉन में जलते रहना है, ओके, तुम्हें दिक्कत आएगी इस पे चलने में, तुम्हें दिक्कत आएगी, ऑर्गेनिज्म से कर रही है बात, फिर भी तुम्हें इस बबल में, इस कॉल्ड्रॉन में चलते रहना है, ओके। देन सेकंड विच जो है वो क्या कहती है, सेकंड विच कहती है फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक। देखो सेकंड इंग्रेडिएंट्स आ गए, अभी ये दो इंग्रेडिएंट्स बताए गए थे, द एंट्रेल्स ऑफ द लाइक वेनमस पर्सन और ओके और टोड, और नेक्स्ट आपका टोड आ गया, ठीक है, दो आ गए, पॉइजनस एंट्रेल्स आ गई, ओके, और टोड, ये दो इंग्रेडिएंट्स आ गए। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे सेकंड विच बताएगी, फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक, फिलेट का मतलब होता है स्मॉल पीस, ओके, छोटा सा पीस। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम के बारे में बता देता हूँ, सपोज ये आपका एक स्नेक है, ओके, जस्ट सपोज, और यहाँ से छोटा सा पार्ट कट करके विचेस ने इतना पार्ट बस लिया है अपने चार्म के लिए, अपने जादू के लिए, तो ये फिलेट हो गया, छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर विचेस ही यही कह रही हैं कि फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक, मतलब एक स्नेक, फेनी का मतलब होता है वो स्नेक जो मॉइस्ट जगह पे रहे, जो कहाँ रहे, दलदल जैसी जगहों पे रहे, जो मार्शी प्लेसेस पे रहे, ओके, तो उसका छोटा सा स्लाइस, उसका छोटा सा पीस भी ले लो, ओके। एक वो स्नेक, एक वो सांप जो दलदल जैसी जगहों पर, जो मॉइस्ट जगह पर रहे, जहाँ पर पानी रहे, नमी रहे, उसका छोटा सा पार्ट ले लो और वो भी डाल दो इस कॉल्ड्रॉन में, ओके, इन द कॉल्ड्रॉन बॉयल एंड बेक, और इस कॉल्ड्रॉन में डाल दो और उसे बॉयल होने दो, उसे पकने दो, समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो स्नेक है उसका छोटा सा पार्ट लो, वो स्नेक जो दलदल जैसी गीली जगहों पे रहता है, उस स्नेक का छोटा सा पार्ट इस बबलिंग कॉल्ड्रॉन पे डाल दो, उबलते हुए कॉल्ड्रॉन पे डाल दो, और इसे भी उबलने दो, इसे भी बेक होने दो, पकने दो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है उल्लू की आँख, सो आई ऑफ न्यूस्ट, आई ऑफ निस्ट एंड टो ऑफ फ्रॉग,
मतलब उल्लू की आंख और मेंढक का पैर, समझ आ रहा है, उल्लू की आंख और मेंढक का पैर। बूल ऑफ बैट मतलब चमगादड़ का बूल, चमगादड़ का पंख। एंड टंग ऑफ डॉग, डॉग्स की टंग। देखिए काफ़ी स्ट्रेंज यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बताए जा रहे हैं, बट येट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारे याद रखने हैं। ओके तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हुए आते हैं। सबसे पहले हमने क्या डाला था, अंतड़ियाँ सबसे पहले हमने डाली थी, आते, ठीक है। इंट्रेल्स को मैं लिख भी देता हूँ, चलो आपके लिए फॉर योर कन्वीनियंट, आते। ओके आते, आते या इंटेस्टाइन लिख देते हैं फॉर योर कन्वीनियंट। ओके सबसे पहले हमने जहरीली इंटेस्टाइन्स डाली, ठीक है। फिर हमने टोड डाला, कौन सा टोड, वो टोड जो 31 दिनों तक ठंड में कांपता रहा, उल्टियां करता रहा एक रॉक पे छुपकर। नेक्स्ट हमने डाला एक जहरीले स्नेक का छोटा सा पार्ट जो कि कहाँ रहता था, मॉइस्ट प्लेसेस पे रहता था, ठीक है। फिर हमने डाला उल्लू की आँख, आई ऑफ नेस्ट। देन हमने किसका पैर डाला, फ्रॉक का पैर डाला, फ्रॉक का टो डाला। फिर हमने जो लाइक बैट होता है, चमगादड़ होता है, उसका बुल डाला, ओके उसका पंख डाला, इजंट इट। देन हमने डॉग की टंग डाली, ओके और अब हम क्या डालने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू पुट एडर्स फॉर्क। ओके अब हम क्या डालने वाले हैं, एडर्स फॉर्क। एडर कौन है, स्नेक, ठीक है। यहाँ पे एडर स्नेक है, तो अभी हमने क्या डालने वाले हैं, स्नेक की फॉर्क, फॉर्क मतलब दांत, फॉर्क मतलब टंग, सॉरी स्नेक की जो टंग होती है, स्नेक की टंग। फॉर्क यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि स्नेक की जब भी आप टंग देखेंगे तो इस तरीके की टंग होती है ना, फॉर्क की तरह, जैसा फॉर्क होता है हमारा, है ना, उसी की तरह। तो स्नेक की टंग नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आपका। एंड ब्लाइंड वॉर्म स्टिंग, और जो ब्लाइंड वॉर्म है, देयर इज अ ब्लाइंड वॉर्म, एक लाइक इंसेक्ट होता है, एक लाइक आप कह सकते हैं वॉर्म की तरह ही होता है। लेट मी शो यू ब्लाइंड वॉर्म एज वेल, सी दिस इज अ ब्लाइंड वॉर्म, जिसे स्लो वॉर्म भी हम कहते हैं, इट इज अ स्नेक। ओके सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग, ओके क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक इधर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो ब्लाइंड वॉर्म का स्टिंग, उसका डंक। लिजार्ड के पैर मतलब छिपकली का पैर, ओके। एंड आउलेट्स बिंग मतलब जो उल्लू का बच्चा है उसके पंख चाहिए, मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स बताए जा रहे हैं इस कॉलड्रॉन में पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ चार्म ऑफ पावरफुल ट्रबल लाइक अ हेल ब्रोथ बॉयल एंड बबल। नाउ हियर जो विचेस हैं वो क्या कहती हैं कि इस चार्म को होने के लिए, मतलब जादू को होने के लिए, इसे और पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसे बहुत मतलब इसे तब तक चलाते रहना है जब तक ये बहुत थिक ना हो जाए, एक थिक सूप की तरह ना हो जाए, उसमें बबल नहीं निकलने लगे, ओके तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तभी सब क्या बोलती हैं, सब वही सेम स्पीच बोलती हैं, डबल डबल ट्वेल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, मतलब चलाओ जोर जोर से चलाओ इसे, ओके डबल दो दो बार इसे हार्ड वर्क करो और ट्रबल करो, मतलब दो दो बार इन लोगों को परेशान करो, ओके और इस बबल कंट्रोल में, इस मटके में तड़पने के लिए छोड़ दो, इजंट इट। नेक्स्ट थर्ड विच जो है वो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स बता रही है, ओके तीन बार इंग्रेडिएंट्स पता चल चुके हैं, देखिए पहले बार ये, नेक्स्ट ये, अब थर्ड इंग्रेडिएंट्स आपके यहाँ पर हैं। थर्ड विच कह रही है कि स्केल ऑफ ड्रैगन, टूथ ऑफ वुल्फ, विच इज ममी मॉ एंड गोल्फ। ओके तो ड्रैगन के स्केल, ड्रैगन के स्केल से क्या मतलब है आपका, जो ड्रैगन है उसके मतलब जो स्केली स्किन होती है ड्रैगन की, आप सबको पता है उसकी स्केली स्किन होती है, उसके स्केल्स होते हैं, है ना, पैटर्न्स पड़े होते हैं, तो वो स्किन चाहिए हमें ड्रैगन की। देन हमें वुल्फ का टीथ चाहिए, वुल्फ के दांत चाहिए, ओके विच इज ममी, विच इज ममी का मतलब एक मरी हुई चुड़ैल, ध्यान से समझिए यहाँ पे, एक मरी हुई चुड़ैल का फ्लैश चाहिए, जो चुड़ैल मर जाती है उसकी फ्लैश चाहिए। विच इज ममी का मतलब ये नहीं है विच इज की मम्मी, ठीक है, विच इज ममी का मतलब है उसकी डेड बॉडी, जो एक दूसरी विच है जो मर चुकी है उसकी डेड बॉडी हमें चाहिए। मॉ एंड गुल्फ, मॉ
एंड गुल्फ का मतलब है हमें एक रेवनस शार्क, मॉ एंड गुल्फ ऑफ द रेवेंट साल्ट सी शार्क, मतलब एक रेवनस शार्क, यहाँ पे मैं अलग पेन से कर देता हूँ वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, मॉ एंड गुल्फ ऑफ द रेवनस साल्ट सी शार्क, मतलब एक ऐसी शार्क, एक रेवनस शार्क, एक गुस्से वाली एंग्री शार्क का हमें क्या चाहिए, हमें उसके गुलेट्स और स्टमक चाहिए। गुलेट्स क्या होते हैं भाई? गुलेट्स आपके गॉल ब्लैडर जो होते हैं आपके, है ना, अंदर जो क्या करते हैं, बाइल पिगमेंट्स का प्रोडक्शन करते हैं, बाइल जूसेस को बनाते हैं, ठीक है, जैसे बिल्बरीन हो गया या जितने भी बाइल जूसेस होते हैं वो सब गॉल ब्लैडर की वजह से ही बनते हैं। तो गुलेट हमारा वही हो जाता है। तो एक शार्क का गॉल ब्लैडर और उसके स्टमक चाहिए, तभी मैं कह रहा हूँ इस सीन को समझने के लिए आपको बायो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट, रूट ऑफ हेमलॉक डिग इन द डार्क, मतलब हमें पॉइजनस ट्री, जो पॉइजनस रूट्स हैं, पॉइजनस प्लांट्स की रूट्स हैं, वो हमें चाहिए जो कि अंधेरे में ही मिलती हैं। ओके, वो प्लांट्स चाहिए जो अंधेरे में ही मिलते हैं। हेमलॉक इज अ प्लांट जो कि काफ़ी पॉइजनस होता है। ओके, तो उसका हमें क्या चाहिए, उसकी हमें रूट्स चाहिए। ओके, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लिवर ऑफ ब्लास्पेनिंग जीव, ब्लास्पेनिंग लिवर ऑफ ब्लास्पेमिंग जीव, मतलब हमें एक ऐसे यहूदी का, जीव आप तो पता है ना, ज्यूश जो पीपल होते हैं यहूदी, उन्हें हमें एक ऐसे यहूदी का लिवर चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मक्कार हो, है ना, जिससे जो भगवान को हेट करता हो। ओके, ब्लास्पेमिंग का मतलब है हु हेट गॉड। मतलब जो भगवान को अपना दुश्मन मानता हो, हमें ऐसे यहूदी का, ऐसे जीव का हमें लिवर चाहिए। समझ आ रही है बात? देन गॉल ऑफ गोट, हमें गोट का गॉल ब्लैडर चाहिए, जो गोट है उसका गॉल ब्लैडर चाहिए। नेक्स्ट, एंड स्लिप्स ऑफ यू सिल्वर इन द मून्स एक्लिप्स नॉइज ऑफ टर्क, मतलब हमें क्या चाहिए, स्लिप्स ऑफ यू, एक यू प्री होता है। ओके, यू एक प्री होता है, तो उसकी हमें ट्विंग्स चाहिए, उसका हमें छोटा सा एक पार्ट चाहिए जो कि कब लिया जाए, ल्यूनर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण के समय, सॉरी ल्यूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण के समय। ओके, जो चंद्र ग्रहण होता है ल्यूनर एक्लिप्स आप सबको पता है, है ना, तो उसके समय जो यू का पार्ट लिया जाए वो हमें चाहिए, है ना। यू एक प्लांट है। ओके, सी दिस इज अ यू, इसे हम क्या कहेंगे, यू, ये यू का पेड़ है, ठीक है। सो इसे हमें कब लेना है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पे, जो जब आपका चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो उस टाइम पे हमें क्या लेना है, इसका एक पार्ट लेना है, इजंट इट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। स्लिप्स ऑफ यू सिल्वर्ड इन द मून एक्लिप्स, मतलब जो ल्यूनर एक्लिप्स है उसके टाइम पर आपको यू, जो प्लांट मैंने अभी आपको दिखाया रेड फ्लावर वाला, रेड बेरी वाला बेसिकली, उसका थोड़ा सा पार्ट चाहिए। एंड नोज ऑफ टर्क इन टाटर्स लिफ, और टर्क की नोज, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, टर्क की नोज और टाटर का लिफ चाहिए। अब ये टर्क और टाटर क्या है, इनकी मैं कहानी बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, टर्क और टाटर, ये तो जो टर्क टाटर्स थे, ये दोनों अनसिविलाइज्ड पीपल थे, मतलब इनका कोई घर नहीं था, इन्हें कहीं भी बसने के लिए इनका कोई घर नहीं था, है ना, और ये बहुत ही क्रूअल पर्सन थे जो भगवान पर कभी बिलीव नहीं करते थे, मतलब भगवान की एग्जिस्टेंस पर कभी बिलीव नहीं करते थे। अनसिविलाइज्ड पीपल थे जिन्हें ना ही जस्टिस पर बिलीव था, ना ही मोरालिटी पर बिलीव था, मतलब जो मोरल पीपल हैं, जिन्हें मतलब सेंस होना चाहिए, सेंसलेस पीपल थे बेसिकली, बिल्कुल आप अगर समझे, है ना, ब्लडी थर्स्टी पीपल थे जो खून पी जाते थे लोगों का, मतलब बिल्कुल जो होते हैं ना, जिन्हें जिनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती, वैसे पीपल थे ये दोनों, टर्क्स एंड टाटर। आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी इसे पढ़ा है, ध्यान से रखें तो, है ना।
ये कहाँ रहते थे? ये एशिया और ईस्ट यूरोप। कहाँ? एशिया, एशिया और ईस्ट यूरोप के बॉर्डर पर रहते थे, ठीक है। एशिया और ईस्ट यूरोप के बॉर्डर पे ये दोनों लोग रहते थे, टर्क एंड टाटर, जिन्हें भगवान पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, नॉन बिलीवर्स ऑफ गॉड थे, है ना। इन्हें हमेशा लाइक बुरा करना रहता था, हमेशा लोगों का खून पीना, खून पीने का मतलब ये है कि लोगों को मार डालते थे, उनका खून पीते थे, इज़न्ट इट। तो ये बहुत ही क्रूअल पर्सनैलिटी के लोग थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें क्या चाहिए, पिंग लाइक नोज ऑफ टर्क की नोज और टाटर का लिप, हमें ये चाहिए अपने, किसके लिए, अपने इंग्रेडिएंट चाहिए अपने इसके लिए, अपने कॉल्ड्रॉन का लिक्विड के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जितना भी ये लिक्विड बता रही हैं, ये लिक्विड कहाँ का बता रही हैं, सब कि सारा लिक्विड बताया जा रहा है बुरी चीज़ों का, जितने भी लोग बुरे थे जिन्होंने इविल डीड करी हैं, उन सब के इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब, है ना। नेक्स्ट, फिंगर ऑफ बर्थ स्ट्रेंगल्ड बेब डिच डिलीवर्ड बाई अ ड्रैब, मतलब हमें उस बच्चे की उंगली चाहिए जिससे बर्थ स्ट्रेंगल्ड डिच डिलीवर्ड बाई अ ड्रैब। ड्रैब का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, मतलब वो लेडी हु मेक द सेक्सुअल रिलेशंस विद मैनी मैन, इज़न्ट इट, बहुत सारे लोगों के साथ वो अटैचमेंट्स रखती है अपनी, प्रोस्टिट्यूट, है ना। सो उस प्रोस्टिट्यूट के बेबी का हमें लाइक वो चाहिए, फिंगर, राइट, फिंगर चाहिए, जिसे उस प्रोस्टिट्यूट ने, जैसे उस प्रोस्टिट्यूट, उस नाचने वाली ने कहाँ जन्म दिया हो, डिच में, मतलब गड्ढे में जन्म दिया हो, ओके। मेक द ग्रूल थिक एंड स्लैब, मतलब इस जूस को, इस लाइक लिक्विड को ग्रूअल, मतलब ग्लू की तरह थिक बना दो, ग्रूअल का मतलब यहाँ पे ग्लू है, एंड स्लैब मतलब क्या है आपका, स्लाइमी, ठीक है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालो, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद इस ग्लू, इस पूरे कॉल्ड्रॉन के लिक्विड को, जो हमने ये लिक्विड बनाया है, इसको ग्लू की तरह और स्लाइम की तरह बिल्कुल थिक कर दो, ओके। एंड देयरफॉर अ टाइगर्स कॉल्ड्रॉन फॉर द इंग्रेडिएंट ऑफ आर कॉल्ड्रॉन, ओके। एंड देयरफॉर देयर टू अ टाइगर्स कॉल्ड्रॉन फॉर द इंग्रेडिएंट ऑफ आर कॉल्ड्रॉन, और लास्ट इंग्रेडिएंट पड़े हमारा क्या, टाइगर की आंत, जो टाइगर की इंटेस्टाइन है, वो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है फॉर द कॉल्ड्रॉन, कॉल्ड्रॉन के लिक्विड को कंप्लीट करने के लिए। तो आपने देखा कितने सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े यहाँ पर। तो एक काम कीजिए आप, जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताया है मैंने, वो सब आप लिख लीजिए एक बार, पीछे जाकर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं वो सारे आप इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए गाइस, है ना। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप लिख लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट, तभी दोबारा सारी जो विचेज हैं वो यही सेम स्पेल बोलती हैं, डबल डबल ट्वेल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, मतलब दोबारा हिलाओ इसे और मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और ट्रबल करो, ओके, जिससे कि ये जो कॉल्ड्रॉन है इसमें बबल उठने लगे, वो दोबारा कहती है, ओके। नेक्स्ट सेकंड विच, अब सेकंड विच कहती है, कूल इट विद अ बैबून्स ब्लड देन द चार्म इज फर्म एंड गुड, मतलब अब इस कॉल्ड्रॉन को ठंडा करो, किससे, बैबून्स ब्लड। बैबून कहते हैं हम बंदर को, है ना, सुना होगा आपने मंकी को, तो मंकी के ब्लड से, बंदर के ब्लड से इस लिक्विड को ठंडा करो, ओके, और इस चार्म को कंप्लीट कर दो, और ये चार्म और ये मैजिक कंप्लीट हो चुका है, समझ आ रहे हैं। तो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े आपने देखा यहाँ पे, बंदर का मतलब पूछ पड़ गया, है ना, बंदर का ब्लड पड़ गया, सॉरी, टाइगर का इंटेस्टाइन पड़ गई, इंसान का ब्लड पड़ गया, पता नहीं क्या क्या पड़ गया, बहुत सारी चीज़ें पड़ गई, है ना। तो टाटर का लिप और टर्क का नोज, इज़न्ट इट, लिवर, गॉल ब्लैडर, वॉट एवर, सारी चीज़ें पड़ गई, मतलब, है ना। और अब ये जो पूरा लिक्विड है ये कंप्लीट हो चुका है मैजिक के लिए। अब यहाँ पर हिकेट का आगमन होता है, हिकेट आते हैं, ओके, एंटर हिकेट टू द अदर थ्री विचेस, दोबारा तीन विचेस के संग हिकेट आ रहा है, ओके। अब हिकेट सेज,
Oh, well done, I command your pains, and every you shall share in the gains. And now about the cauldron sing, live elves and fairies in a ring, enchanting all that you put in. मतलब बहुत बढ़िया तुमने, मैं तुम्हारे इस हार्ड वर्क को, इस एफर्ट को प्रेज करता हूँ, मैं तुम्हारे इस एफर्ट को मतलब इसकी तारीफ करता हूँ, ओके, तुमने बहुत अच्छा काम किया है. आई कमेंट योर पेंट्स, मतलब मैं तुम्हारे एफर्ट्स को प्रेज करता हूँ, तुम्हारी एफर्ट्स को, एफर्ट्स की तारीफ करता हूँ. एंड एवरी वन शेल शेयर इन द पेंस, और जितने भी तुमने इस चीज़ के लिए दर्द सहे हैं, दर्द कैसा है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स तुम लाई हो इसके लिए, मैं इसके लिए तुम्हें ज़रूर, इसके लिए तुम्हें गिफ्ट दूंगा, इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड करूंगा, ओके. एंड नाउ अबाउट द कॉल्ड्रॉन सिंग लाइक एल्व्स एंड फेरीज इन अ रिंग. और अब आओ, अब हम इस कॉल्ड्रॉन के चारों तरफ एक चक्र बनाते हैं, मतलब गोला बनाते हैं. हम लोग सुपर नेचुरल बींग्स और सुपर नेचुरल सिंग्स करते हैं, मतलब हम लोग चक्कर बनाते हैं, गोला बनाते हैं, और इस कॉल्ड्रॉन के बीच में घूमते हैं और गाते हैं, ठीक है, घूमते घूमते गाते हैं, जिससे कि हमारे जो मंत्र हैं ये और अच्छे से हो सकें, ओके. जितने भी तुमने इंचेंट इसमें डाले हैं वो सारी इसमें पड़ चुके हैं, इसलिए हम चलो गोला बनाते हैं और एक मंत्र गाते हैं, ओके. नेक्स्ट, म्यूजिक एंड अ सॉन्ग, ब्लैक स्प्रेड्स एंड सी एंड एसेट्रा, दिस इज एसेट्रा, ओके. नाउ अब म्यूजिक और सॉन्ग बजता है, एंड ब्लैक स्प्रेड्स, ब्लैक स्प्रेड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लैक स्प्रेड्स का मतलब है छह चुड़ैले, यहाँ पर छह चुड़ैले हैं आपके पास, सिक्स विचेस हैं, ओके, जो कि क्या कर रही हैं, ब्लैक स्प्रेड को लाइक ब्लैक स्प्रेड नाम के एक सॉन्ग को गा रही हैं. देयर इज अ सॉन्ग नेम ब्लैक स्प्रेड, उस ब्लैक स्प्रेड सॉन्ग को गा रही हैं, ओके. सो हेकेट रिटायर्स, हेकेट चला जाता है, ओके. एंड सेकेंड विच देन सीज, सेकेंड विच क्या कहती है, बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स समथिंग विक्ड दिस वे कम्स, ओपन लॉक्स हूएवर नॉक्स. मतलब मेरे अंगूठे में जो प्रिकिंग हो रही है, मतलब मेरे अंगूठे में कोई चीज़ चुभ रही है, ये मुझे बता रही है कि कुछ बहुत खतरनाक और कुछ बहुत ही बुरी शक्ति आ रही है यहाँ. मतलब इस गुफा में जहाँ पर हम हैं, इस गुफा में कोई बहुत ही बुरी शक्ति आ रही है, कोई बहुत ही ईविल मैन आ रहा है, और वो ईविल मैन कौन है, मैकबेथ, ठीक है. सो ओपन लॉक्स हूएवर नॉक्स, मतलब जो भी नॉक करे बाहर से उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाए, राइट. देन मैकबेथ आ जाता है, एंटर मैकबेथ, एंड Macbeth says, how now your secret black and midnight hex, what is this you do, मतलब तुम क्या सीक्रेट छुपा रही हो, ओके, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या सीक्रेट चल रहा है, मतलब यहाँ तुम छिप कर, इस गुफा में छिप कर तुम क्या कर रही हो, क्या चल रहा है इस आधी रात में. देन सभी क्या कहती हैं, a deed without a name, मतलब एक ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं है. देन मैकबेथ सेज, आई कंज्यूर यू बाय दैट विच यू प्रोफेस, हाउ एवर यू कम टू नो इट, आंसर मी, टोट यू अनटाई द वाइंस एंड लेट मी फाइट अगेंस्ट द चर्चेस दो द यस्टी वेव्स कन्फाउंड द स्वॉलो नेविगेशन अप, डो ब्लेडेड कॉर्न बी लोड्ड एंड ट्रीज ब्लो डाउन, दो कैसल्स टॉपल ऑन देयर वेंडर्स हेड्स, दो पैलेसेस एंड पिरामिड्स डू स्लो देयर हेड्स to their fountains, though the treasure of nature's germans tumble altogether, even till destruction seconds, answer me to what I ask you. Now Macbeth बहुत ही important speech यहाँ पर बोल रहा है, and that is, I conjure, conjure का मतलब है command, मतलब मैं तुम्हें command करता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ,
जी ईविल पावर्स ओके, जितनी भी तुम ईविल पावर्स यूज़ कर रही हो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ओके, मुझे नहीं पता तुम कैसे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे रही हो, आई डोंट केयर। चाहे तुम कितनी भी ईविल पावर यूज़ करो, चाहे तुम ईविल विंड का यूज़ करो, पर मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। यहाँ पर जो मैकबेथ है वो क्वेश्चंस के अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मांगने आया है। तो कहता है कि चाहे तुम कितनी भी ईविल पावर यूज़ करो, मेरे क्वेश्चंस का जो मैं क्वेश्चंस तुमसे पूछने वाला हूँ उस क्वेश्चन का आंसर दो प्लीज़, है ना। जितने भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूँ, चाहे तुम उसके लिए ईविल विंड का यूज़ करो ओके, चाहे तुम चर्चेस को फाड़ दो, चर्चेस को तोड़ दो ओके, चाहे दो यू अनटाई द विंड्स एंड लेट देम फाइट, मतलब चाहे तुम जो विंड है उसे उसका स्टोन बना दो, उसे लाइक ईविल विंड्स को प्रोड्यूस कर दो इस चर्च को, अगेंस्ट द चर्च थ्रू द यस्टी वेव्स, मतलब चाहे तुम चर्च को इस ईविल विंड से गिरा दो, या तुम एक यस्टी का मतलब क्या होता है भाई, यस्टी वेव्स मतलब चाहे तुम समुद्र में यस्टी मतलब बहुत ख़तरनाक वेव्स बना दो, और जितने भी शिप्स हैं, जितने भी लाइक नेविगेशन वाले लोग हैं, नेविगेशन या शिप्स वाले, उन सबको डुबा दो। दो ब्लेडेड कॉर्न बी लॉक्ड आर ट्रीज ब्लो डाउन, चाहे तुम ट्रीज को, जितने भी ट्रीज हैं उन्हें अपने लाइक स्टॉर्म से, जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं उन सारे क्रॉप्स को, कटी हुई क्रॉप्स को फेंक दो, उड़ा दो। मतलब कहना चाह रहे हैं चाहे तुम चर्चेस को तोड़ दो, चाहे तुम समुद्र में बहती नाव को उड़ा दो, चाहे तुम कटी हुई क्रॉप्स को, जो ब्लेडेड कॉर्न है, ब्लेडेड कॉर्न मतलब जितनी भी कटी हुई लाइक क्रॉप्स हैं उनको उड़ा दो, और चाहे लोडेड जो ट्रीज हैं उन्हें भी उड़ा दो ओके। दो कैसल टॉपल ऑन देयर वार्डर्स हेड, और चाहे तुम कैसल को गिरा दो ओके, चाहे तुम कैसल को गिरा दो, जो कैसल के अंदर लोग रह रहे हैं, है ना, उनके सिर पर, चाहे जो कैसल के अंदर लोग रह रहे हैं उनके हेड पर तुम कैसल को टॉपल मतलब गिरा दो। दो पैलेसेस एंड पिरामिड्स डू स्लो, और चाहे जो पैलेस और पिरामिड्स हैं बहुत सारे गिर जाएं, चाहे उन्हें गिरा दो। मतलब कहना चाह रहे हैं चाहे तुम कैसल लोगों के ऊपर गिरा दो, चाहे पिरामिड्स और पैलेसेस को ऊपर गिरा दो ओके। एंड दे हेड्स टू देयर फाउंटेन्स थ्रू द ट्रीजन ऑफ नेचर्स जर्मन्स लाइक थम्बल ऑल टुगेदर, और चाहे तुम इतनी तबाही फैला दो कि इवन जो नेचर है, जो डिस्ट्रक्शन है वो तक डर जाए, इतनी तबाही से, मतलब इतना डिस्ट्रक्शन फैला दो कि इवन डिस्ट्रक्शन तक डर जाए, है ना, पर मुझे आंसर दो ओके। ऑफ नेचर्स जर्मन्स ट्रबल ऑल टुगेदर इवन टिल डिस्ट्रक्शन सेकेन ओके, आंसर मी टू व्हाट आई आस्क यू, मतलब चाहे तुम इतनी डिस्ट्रक्शन फैलाओ कि इवन डिस्ट्रक्शन तक सिक हो जाए, डिस्ट्रक्शन तक डर जाए, पर तुम मुझे आंसर दो जो मैं पूछने आया हूँ ओके, जो क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछने आया हूँ उसके मुझे आंसर चाहिए। देन फर्स्ट विच सेज स्पीक, सेकेंड विच सेज डिमांड, एंड थर्ड विच सेज विल आंसर, मतलब जब वो कहता है कि मुझे आंसर चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो पर मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो, तो फर्स्ट विच कहती है बोलो क्या है तुम्हारी क्वेश्चंस, बोलो क्या चाहिए, क्या जानना चाहते हो। तभी सेकंड विच कहती है डिमांड, मतलब डिमांड करो। डिमांड यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, डिमांड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो विच जो मैकबेथ है इज द किंग, और इसलिए वो कह रही है डिमांड करो। एंड थर्ड विच कहती है कि हम आंसर देंगे, तुम बताओ तुम्हारी क्या क्वेश्चंस हैं ओके। देन फर्स्ट विच कहती है से इफ doubt whether hear it from our mouths or from our master, बताओ तुम किन के मुँह से अपने आंसर सुनना चाहोगे, हमारे मुँह से या हमारे मास्टर के मुँह से। इनका मास्टर कौन है, हेकेट, ठीक है। तो कहती है कि बताओ तुम किसके मुँह से आंसर सुनना चाहोगे, हमारे मुँह से या हमारे मास्टर्स के मुँह से। देन मैकबेथ सेज कॉल देम लेट मी सी देम, मतलब अपने मास्टर को बुलाओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। Then first witch says, pour in soul's blood that had eaten her nine pharaoh grease that sweating from the murder's gibbets throw into the flame. Pour in soul's blood, मतलब इसमें एक adult, so का मतलब है एक adult female pig का
फ्लैश डालो, जिसने अपने कितने बच्चों को, 9 बच्चों को खा लिया हो। मतलब इसमें एक एडल्ट फीमेल पिक का फ्लैश डालो जिसने अपने 9 फैरो का मतलब है इन्फेंट्स, 9 बच्चों को अपने पिक के बच्चों को खा लिया हो। कहना चाह रही है कि इस कॉल्ड्रॉन में, इस लिक्विड में एक ऐसी फीमेल पिक का मीट डालो जिसने अपने 9 के 9 बच्चों को खा लिया हो। ओके, फ्रॉम द मर्डर्स गिव इट थ्रो इन टू द फ्लेम। और इसके जो फ्लैश है इसका, राइट, इसका जो अनवांटेड फ्लैश है जो हमें नहीं चाहिए, उसे हैंग कर दो ऑन द गैलो एंड उसे फ्लेम पे जला दो। मतलब उसे फांसी पर लटका दो, जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ मीट बनता है वहाँ पे जानवरों को जो अनवांटेड फ्लैश होता है उसे लटका दिया जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। और जो उसका अंदर का फ्लैश होता है, जो बहुत ही मतलब जिसे लोगों को चाहिए, जो लोगों को चाहिए, ओके, जो बहुत ही वांटेड फ्लैश होता है वो दे दिया जाता है, जो अनवांटेड फ्लैश होता है उसे लटका दिया जाता है, इजंट इट। तो कहना, यही कहना चाह रही हूँ कि जितना भी वांटेड फ्लैश है वो सब इधर दे दो, और जितना भी अनवांटेड फ्लैश है उसे आग में डाल दो, इनटू द फ्लेम, मतलब उसे आग में डाल दो, उसे लटका कर, उसे फांसी लगा कर उसे आग में डाल दो। फ्रॉम द मर्डर्स गिव इट थ्रो इनटू द फ्लेम, ठीक है। नेक्स्ट, फिर जितने भी लोग हैं वो सब क्या कहते हैं, कम हाई और लो दाई सेल्फ एंड ऑफिस डेफ प्लीज शो। नाउ हियर, सारी जो विचेस हैं वो क्या कहती हैं, जितनी भी स्पिरिट्स हैं, चाहे वो बड़ी स्प्रिट्स हों, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली वाली स्प्रिट्स हों या कम शक्तियों वाली स्प्रिट्स हों, सब अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ड्यूटी दिखाओ। थाई सेल्फ एंड ऑफिस ड्यूटी शो, मतलब अपनी ऑफिस, ऑफिस का मतलब है अपनी ड्यूटी, और अपने जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी उनके पास फंक्शंस हैं, मतलब होता नहीं है डिफरेंट विचेस के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने देखा था हमारे एक्ट 1 सीन 2 में कि एक विच ने विंड दी थी, दूसरे विच ने तूफान क्रिएट किया था, तीसरे विच ने उस सेलर को, जो सेलर्स की वाइफ थी, जो चेस्टनस देने से जिसने मना कर दिया था, उस सेलर की वाइफ, उस सेलर के हस्बैंड को उड़ा दिया था। तो तीनों विचेस ने अपनी अपनी ड्यूटी करी। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि अपनी अपनी ड्यूटी यहाँ पर सारी विचेस कह रही हैं कि सारी स्पिरिट्स आओ, सारी आत्माएं आओ, जितनी भी हाई रैंकिंग वाली हैं, लो रैंकिंग वाली हैं, सब आओ, अपने अपने फंक्शन दिखाओ। ओके, अपने अपने फंक्शंस को दिखाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक था हमारा विचेस का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हम आ गए हम अपने एपरेशन वाले पार्ट पर, मतलब अपने प्रेत वाले पार्ट पर। अब हम यहाँ पे 3 एपरेशंस को देखेंगे। ओके, सो नाउ थंडर, जो वेदर है वो कैसा है, थंडरिंग का है, ठीक है, वेदर इज ऑफ थंडरिंग। फर्स्ट एपरेशन, पहला प्रेत आ चुका है गाइस। कौन सा था पहला प्रेत, जल्दी से याद करेंगे, विच वन? यप, अ पर्सन हु इज ओनली हैविंग हिज हेड, एक कटेड हेड वाला, ठीक है, जिसका कटेड हेड था, ब्लेडेड हेड था। सो फर्स्ट प्रेत आ चुका है आपके पास। ओके, फर्स्ट एपरिशन एंड आर्म्ड हेड, मतलब जिसका कटा हुआ हेड है। आर्म्ड का मतलब होता है कटा हुआ, और इसके सिर पर यहाँ पर आर्म्ड हेड का मतलब है कि इसने एक सिर पर हैमलेट बांधा हुआ है। इसके सिर पर एक हैमलेट है, और सिर्फ इसका एक सिर ही सिर है, और इसके जो धड़ है वो नहीं है। तो फर्स्ट जो होता है वो कौन सा था हमारा, आर्म्ड हेड। यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया था, जस्ट वेट। ओके, जो फर्स्ट एपरिशन था वो आपका क्या था, आर्म्ड हेड, जिसका क्या होता है, सिर्फ सिर होता है, उस सिर पे हैमलेट होता है, ठीक है। मैकबेक सेज, टेल मी दाउ अननोन पावर। अब वो जो लाइक प्रेत है, उस प्रेत से कह रहा है, ओके, उस एपरिशन से कह रहा है कि मुझे बताओ। देखो, जैसे विचेस से कहता था बहुत घमंड में, है ना, विचेस से तो बहुत घमंड में कहता था कि जल्दी बताओ मुझे क्या होने वाला है, ठीक है, और विचेस इसकी सुन भी लेती थी, isn't it? पर प्रेत जो है वो काफ़ी खतरनाक होते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैकबेथ है वो भी उनसे ऐसे ही बात करता है, बहुत एरोगेंस में, बहुत घमंड में बात करता है। टेल मी द अननोन पावर, मतलब मुझे बताओ तुम अननोन पावर्स, ओके, मुझे मेरा फ्यूचर दिखाओ। देन फर्स्ट विच एकदम चिल्लाती है बहुत जोर से, ओके, फर्स्ट विच सेज दैट ही नोज थाई थॉट,
हियर हिज स्पीच बट से दाउ नॉट, मतलब वो तुम्हारे जितने भी थॉट्स हैं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो तुम्हारे सब कुछ जानते हैं। फर्स्ट विच कह रही है कि ये जो प्रेत हैं ये तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो तुम बस सुनो, कुछ बोलो मत, सिर्फ तुम्हें सुनना है, ओके, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। हियर हिज स्पीच मतलब इनकी स्पीच को सुनो, बट से दाउ नॉट मतलब उनसे कुछ मत बोलो। देन फर्स्ट एपरिशन जो है वो क्या कहता है, मैकबेथ 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 वी अबेर मैकडफ, फर्स्ट वार्निंग, जल्दी से लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वार्निंग, फर्स्ट वार्निंग आ चुकी है, ओके। फर्स्ट वार्निंग क्या है ये, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, तीन प्रेत हैं, तीन एपरिशन हैं, तीनों एपरिशन अपनी अपनी एक वार्निंग देंगे, है ना। पहला जो एपरिशन है वो क्या कहता है कि मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, मैकडफ से बचे रहना, मैकडफ से बचे रहना, थेन ऑफ फाइव, मैकडफ कौन था, थेन ऑफ फाइव, सो थेन ऑफ फाइव से बचे रहना, और इतना कह के वो डिसमिस मी मतलब वो गायब हो जाता है, ओके। डिसमिस मी मतलब लेट मी गो, मुझे जाने दो, इनफ दैट्स इट, मतलब मुझे इतना ही कहना था कि तुम मैकडफ से बचे रहना, थेन ऑफ फाइव से बचे रहना, और फिर वो कहता है कि मुझे जाने दो और वो गायब हो जाता है, डिस्टेंस मतलब चला गया। देन मैकबेथ, अब मैकबेथ जो है वो पूछता है, उससे कहता है कि वॉट एवर दाउ आर्ट फॉर दाई गुड कोशन थैंक्स, दाउ हैच हैपेंड माई फियर आर राइट बट वन वर्ड मोर नाउ हियर मैकबेथ सेज, मतलब जो भी तुम हो, मतलब जो भी तुम हो, थैंक यू सो मच, मतलब तुम्हारा मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ तुम्हारी इस गुड एडवाइस के लिए, तुमने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है, ओके, तुम बिल्कुल वही बोल रहे हो जो मुझे लग रहा था, मुझे भी एग्जैक्टली मैकटब से बहुत डर लग रहा था, ओके, और तुमने बिल्कुल वही प्रेडिक्ट किया है जो मुझे हो रहा था, मुझे लग रहा था, ओके, पर एक बात और सुनते तो जाओ मेरी, एक बात मेरी और सुनते जाओ, बट वन वर्ड मोर मतलब मेरी एक बात और सुनो, तब तक वो गायब हो जाता है। देन फर्स्ट विच, अब फर्स्ट विच क्या कहती है, ही विल नॉट बी कमांडेड, हियर्स अनदर मोर प्रोटेंट देन द फर्स्ट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट विच है वो कहती है वो तुम्हारे लिए मतलब वो तुम्हारी कमांड नहीं मानेगा, मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट विच थी उसने क्या कहा था कि उसे कभी कमांड मत कहना, उसे सुनना, उससे उसको उसको कुछ कहना मत, उसको सिर्फ सुनना, उससे कुछ कहना मत, है ना, तो वो तुम्हारी कमांड नहीं मानेगा, ओके, वो तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी कमांड नहीं मानेगा, तुम जो कहोगे वो नहीं करेगा। देखो इधर दूसरा प्रेत है, इधर दूसरा एपरिशन है, ओके, मोर प्रिटेंट देन द फर्स्ट, फर्स्ट वाले से ज़्यादा ताकतवर। दूसरा कौन सा था एपरिशन, दूसरा एपरिशन था एक ब्लडी बेबी, एक ब्लडी इन्फेंट जिसका खून, जिसके पूरे शरीर पे खून ही खून लगा था, एक ब्लडी बच्चा। देन सेकेंड एपरिशन आता है टंडर, सेकेंड एपरिशन अ ब्लडी चाइल्ड, एक ब्लडी चाइल्ड आ गया, एंड सेकेंड एपरिशन सेज मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, ओके, अब वो तीन बार मैकबेथ का नाम बुलाता है, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ। देन मैकबेथ सेज हैड आई दी इयर्स, हैड आई थ्री इयर्स, आई हैड हियर थ्री, क्या मेरे तीन कान हैं, ओके, क्या अगर मैं तीन कान रखता, मतलब कहना चाह रहा है अगर मेरे तीन कान होते तो मैं उन तीनों से ही सुनता, अगर मेरे तीन कान होते, क्योंकि तुमने मुझे तीन बार बुलाया मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, तो कहता है अगर मेरे तीन कान होते तो मैं तीनों कान से एक ही आवाज़ सुनता, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, ठीक है। तभी सेकंड विच सेकंड वार्निंग देती है, देखिए फर्स्ट वार्निंग हमारी ये थी कि किससे बचकर रहना, मैकडफ से, ठीक है, क्योंकि मैकडफ ही एक ऐसा पर्सन है जो किससे नहीं जाना, नेचुरली नहीं जाना, ओके, उसे उसके माँ का पेट फाड़ कर निकाला गया था, ठीक है। और सेकंड वार्निंग ये है, दिस वॉज द फर्स्ट वार्निंग एंड दिस वॉज द सेकेंड वार्निंग। सेकेंड वार्निंग क्या है भाई, कोई भी ऐसा बच्चा जो उसकी माँ से नहीं जन्म लिया, जिसने, है ना, जिसकी माँ से जन्म नहीं लिया, वो तुम्हें नहीं लाइक मतलब वो ही तुम्हें मार सकता है, कोई और नहीं मार सकता, मतलब तुम्हें तुम्हारी मौत से उसी से हो सकती है जिसने उसकी माँ से जन्म नहीं लिया, है ना। सो यही कहता है बी ब्लडी बोल्ड एंड रिजोल्ड, मतलब ब्लडी, बी ब्लडी का मतलब है बॉइलिंग रहो, मतलब जुल्म करते रहो,
ओके, जुल्म करते रहो, बोल्ड मतलब साहसी रहो, ब्रेव रहो, और रिजोल्यूट मतलब डिटरमिन्ड रहो, मतलब जो तुम्हें करना है वो करके ही रहो, मतलब चाहे तुम कुछ भी कितना ही बुरा करो, कितना भी अच्छा करो, कुछ भी करो, तुम्हें अब कोई नहीं मार सकता। लाफ टू स्कॉर्न मतलब लाफ टू योर डेट, ओके, लाफ टू योर स्कॉर्न, लाफ एट द पावर ऑफ अदर मैन, दूसरे आदमियों की पावर पर हंसो। फॉर नॉन ऑफ वुमन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ, मतलब चाहे तुम कुछ भी करो, ओके, चाहे तुम अब कितने भी ब्रेव रहो, कितने भी ब्लडी रहो, कितने भी रेजोल्यूट रहो, मतलब तुम कितना भी खून करो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, तुम कितना भी मतलब बोल्ड रहो, कितना भी एरोगेंट रहो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, कितना भी ब्रेव रहो और कितना भी डिटरमिन्ड रहो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान जिसने माँ से जन्म नहीं लिया, ओके, द पावर ऑफ मैन फॉर नॉन ऑफ वुमन बॉर्न, मतलब वो इंसान जिसने माँ से जन्म नहीं लिया, वो तुम्हारा हार्म शैल हार्म मैकबेथ, मतलब वही तुम्हारा हार्म कर सकता है, वही तुम्हें खत्म कर सकता है, जिसने माँ से जन्म लिया है वो तुम्हारा कभी कोई भी काम नहीं बिगाड़ सकता। दिस इज द सेकेंड वार्निंग, ठीक है, क्या कहा कि वो बच्चा जिसने अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है वो ही तुम्हें मार सकता है, ओके, बाकी और कोई तुम्हें मार नहीं सकता। और वो सेकेंड एपरिशन है वो भी चला जाता है इतना कह के, ओके, सेकेंड एपरिशन भी वहाँ से चला जाता है। देन मैकबेथ, अब मैकबेथ ये सुनकर क्या करता है, देखो एक गलती करने जा रहा है मैकबेथ, क्या करने जा रहा है, मैकडफ को जिंदा छोड़ रहा है। अभी तक क्या कर रहा था, मैकडफ को मारने वाला था, क्यों, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली बन रहा था कि अब वो मैकबेथ को मारने वाला था, मतलब मार सकता था, वो इतना रेवलस हो चुका था मैकडफ भी, है ना। पर मैकबेथ क्या कहता है, देन लिव मैकडफ, व्हाट नीड आई फियर ऑफ दी, मतलब फिर तो तुम जियो मैकडफ, अब मुझे डर तुमसे डरने की कोई चिंता नहीं है, मतलब मैं तुमसे क्यों डरूं, है ना, तो अब तुम जियो, अब तुम आराम से जियो, मुझे तुमसे अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब मुझे कोई ऐसा मार ही नहीं सकता जिसने अपनी माँ से जन्म लिया हो। ऑब्वियसली अब हर जो बेबी होता है वो अपनी मम्मी के पेट से ही जन्म लेता है, है ना, पर बाद में पता चलेगा जो मैकडफ है, जिसे आज ये छोड़ रहा है उसने अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, मतलब नेचुरल तरीके से जन्म नहीं लिया, थ्रू द सर्विक्स, बट उसके पेट, उसकी माँ का पेट चीर कर उसे निकाला गया था, ठीक है। तो ये तो लाइक नेचुरल तरीका नहीं हुआ, ये तो ऑपरेशन का तरीका हुआ, राइट, सो ये नेचुरल नहीं हुआ। बट येट आई मेक एश्योरेंस डबल श्योर एंड टेक अ बॉन्ड ऑफ फेथ दाउ शैल्ट नॉट लिव, पर फिर भी मैं पक्का करूँगा, ओके, फिर भी मैं एक डबल पावर, डबल श्योर रखूँगा कि मैं तुम्हें मार दूँ, मतलब कहना चाह, पहले तो ये कहा कि फिर तो तुम जियो मैकबेथ मैकडफ, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं, ओके, पर फिर ये कहता कि फिर भी मुझे डबल श्योर रहना चाहिए, फिर भी मुझे प्रोटेक्शन अपनी करनी चाहिए, और मुझे अपने फेट पर पूरी गारंटी से विश्वास नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें मरना होगा मैकडफ, फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा, भले ही तुम मुझे नुकसान ना करो, फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि मैं ऐसा करके अपने आप को बिल्कुल सिक्योर कर लूंगा, ओके। एंड टेक अ बॉन्ड ऑफ फेथ दाउ शैल्ट नॉट लिव दैट आई मे टेल पेल हार्टेड फियर इट लाइज एंड स्लीप इन स्पाइट ऑफ थंडर, ओके, मैं तुम्हें मारकर हर तरह से जीत जाऊंगा, हर तरह से डर को ख़त्म कर दूंगा, ओके, और हमेशा चैन की नींद सोऊंगा, ओके, एंड स्लीप इन स्पाइट ऑफ थंडर, मतलब यहाँ पे थंडर का मतलब है जो हमेशा बेचैनी उसके अंदर घुसती रहती थी, हमेशा बेचैनी होती रहती थी, तो अब मैं शांति से सोऊंगा, तुम्हें मारने के बाद मैं बिल्कुल शांति से सोऊंगा, क्योंकि आगे मेरा कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा। देन दोबारा थंडर की आवाज़ आती है, ओके, अब यहाँ पे आता है थर्ड एपरिशन विद द थर्ड वार्निंग, ओके, फर्स्ट वार्निंग हो गई, सेकंड वार्निंग हो गई, अब थर्ड वार्निंग सुनो, थर्ड वार्निंग क्या है भाई, दिस इज द थर्ड वार्निंग बाय द थर्ड एपरिशन, ओके, थंडर थर्ड एपरिशन अ चाइल्ड क्राउडेड विद अ ट्री इन हिज हैड, हैंड नहीं होगा यहाँ पे, हैड होगा, ओके, अब थर्ड एपरिशन आता है उसके हेड पर एक ट्री के साथ, ओके,
सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पर हेड ही होगा, उसके हाथ पे ट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए, थर्ड एपरेशन के हाथ पर ट्री था, हेड पर नहीं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, माय ब्लंडर। ओके, तो जो थर्ड एपरेशन है वो आता है अपने हाथ पर एक पेड़ लेकर, कि उसके सिर पर नहीं था, उसके हाथ पर एक पेड़ है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस दैट राइजेस लाइक द इशू ऑफ अ किंग एंड वेयर्स अपॉन हिज बेबी बॉय द राउंड एंड टॉप ऑफ सॉवरेनिटी। नाउ मैकबेथ कहता है कि ये क्या है, है ना, ये कौन सी स्प्रिट है जो बिल्कुल एक किंग के बच्चे की तरह लग रही है, एक राजा के बच्चे की तरह लग रही है, जिसके सिर पर एक रॉयल क्राउन है। ओके, जिसके सिर पर एक रॉयल क्राउन है, एट द टॉप ऑफ सॉवरेनिटी का मतलब है उसके सिर पर एक रॉयल क्राउन है, रॉयल क्राउन। ओके, देन सारे जो होते हैं, सारे जो विचेस होते हैं, सारे जो एपरिशंस होते हैं, वो कहते हैं लिसन बट स्पीक नॉट टू इट, मतलब सिर्फ सुनो पर कुछ बोलो मत। लाभी जो मैकबेथ ने बोला कि ये कैसा बच्चा है जिसके हाथ पर और जिसके सिर पर उसने रूलर का क्राउन पहना हुआ है, है ना। तो जो थर्ड एपरिशन है वो, मतलब जो तीनों एपरिशंस हैं, वो चिल्लाते हैं एकदम से कि सिर्फ सुनना है तुम्हें, कुछ बोलना नहीं है। तब ये थर्ड एपरिशन यहाँ पे थर्ड वार्निंग दे रहा है यहाँ पर। ओके ओके, दिस इज नॉट द थर्ड वार्निंग, ये थर्ड वार्निंग नहीं है, ये है आपकी थर्ड वार्निंग। ओके, दिस इज द थर्ड वार्निंग। थर्ड वार्निंग क्या है, बी लो इन मेल्टेड प्राउड एंड टेक नो केयर हु चेफ्स Who frets or where conspires are. Macbeth shall never vanished be until great Birnam Wood to hide Dunsinane Hill shall come against him. Now third witch, जो third apparition है वो क्या कहता है Macbeth से, that मतलब एक लॉयन की तरह, एक शेर की तरह हमेशा courageous रहो, हमेशा बहादुर रहो और हमेशा घमंडी रहो। कभी भी दूसरों की वजह से, ओके, कभी भी ये मत सोचो, कभी ये सोच कर परेशान मत हो कि दूसरा तुम्हें मतलब दूसरा तुम्हें नापसंद कर रहा है, ओके, और दूसरा तुमसे जल रहा है, ओके, और दूसरा तुम्हारे अगेंस्ट कोई साजिश कर रहा है, कभी ये सोच कर परेशान मत हो। हमेशा शेर की तरह बहादुर रहो, क्योंकि मैकबेथ तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता जब तक कि जो ट्री है, जब तक कि बिरनाम जो फॉरेस्ट है, ओके, जब तक कि बिरनाम वुड है, मतलब ये जो बिरनाम, ग्रेट बिरनाम फॉरेस्ट है, ये ड्यूसिनेन हिल पर चढ़ना जाए, ठीक है। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक बिरनाम जंगल जो है वो ड्यूसिनेन हिल पर चढ़ नहीं जाए, तब तक तुम्हारी मौत नहीं हो सकती। ओके, शेल कम अगेंस्ट हिम, मतलब जब तक बिरनाम पूरे ड्यूसिनेन हिल को कवर ना कर ले, जब तक बिरनाम फॉरेस्ट पूरे डिसनेन हिल को कवर ना कर लिए, तब तक तुम्हारी मौत नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड एपरेशन की, और थर्ड एपरेशन की फिर चला जाता है। देन अब मैकबेथ तो पूरा भाई अश्योर हो चुका है कि मेरी मौत तो अब नहीं हो सकती, मैं तो अमर हूँ, मैं तो अजर हूँ, है ना। पर आगे आपको पता चलेगा कि जितनी भी ये तीन चीज़ें, तीन प्रोबेबिलिटी, ये तीन वार्निंग जो बताई गई है एपरेशंस के थ्रू, ये तीनों होगी। ओके, बिरनाम भी ड्यूसिनेन हिल पर चढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैकडफ ही मैकबेथ को मारेगा, ओके, और सॉरी, और जितने भी जो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वार्निंग है वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी, ओके, क्योंकि मैकडफ से ही उससे बचने के लिए कहा है ना, तो मैकडफ ही अब उसे मारेगा। देन मैकबेथ सेज That will never be. Who can impress the forest with the tree? मतलब ऐसा तो कभी, अब हंसता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कौन उस फॉरेस्ट से कहेगा कि तुम ऊपर जाकर चढ़ो, है ना। Who can impress the forest with the tree? मतलब कौन ट्री को इम्प्रेस कर सकता है, कौन फॉरेस्ट को इम्प्रेस कर सकता है कि ट्री से कहे कि ऊपर चढ़ो, ट्री से कहे कि ऊपर चढ़ो, अपनी रूट्स को अर्थ से बाहर निकाल लाओ,
ओके अनफिक्स देयर अर्थ बाउंड रूट्स, मतलब ऐसा कौन है जो फॉरेस्ट को इतना इम्प्रेस कर ले कि जो ट्रीज की रूट्स हैं वो अर्थ से बाहर निकल आए, समझ आ रहा है? ऐसा कौन है जो इतना इम्प्रेस कर ले इन फॉरेस्ट को, है ना? स्वीट बॉडमैन्स गुड रेविलियस हेड राइज नेवर टिल द बुड ऑफ बिरनेम राइज एंड आर हाई पैलेस हाई प्लेस मैकबेथ शैल लिव द लीज ऑफ नेचर पे हिज ब्रेथ टू टाइम एंड मॉर्टल कॉस्ट्यूम्स. नाउ मैकबेथ सेज, कहता है कि कौन ऐसा कभी नहीं होगा, कौन इन रूट से कहेगा कि तुम उखड़ कर ऊपर चढ़ो, कौन इन फॉरेस्ट से कहेगा कि तुम अपने रूट्स को अर्थ से बाहर निकाल लो और ऊपर डिसनेन फिल पर हिल पर चढ़ जाओ, कौन ऐसा कहेगा? तभी वो हंसता है. स्वीट बॉटमेंस मतलब स्वीट प्रोफेसीज, कितनी अच्छी प्रोफेसीज हैं, वाह मज़ा आ गया. देन रेविलियस डेड राइज नेवर टिल द बुड ऑफ बिरनेम राइज एंड आर हाई प्लेस्ड मैकबेथ शैल लिव एंड लेस ऑफ नेचर पे हिज ब्रेथ टू टाइम एंड मॉर्टल कस्टम्स. मतलब मेरा मर्डर कभी नहीं हो सकता, मेरा मर्डर तब तक नहीं हो सकता जब तक बिरनेम के जो फॉरेस्ट हैं वो ऊपर चढ़ ना जाए. ओके इसका मतलब मैं पूरी जिंदगी जीऊँगा, कहना चाह रहा है कि ऐसा कब, मतलब जब तक नहीं हो सकता जब तक बिरनेम जो है वो ऊपर चढ़ ना जाए. ओके वो ऊपर हिल पर चढ़ ना जाए, और ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी भी रूट्स ऊपर चढ़ नहीं सकती, वो हमेशा नीचे जाएंगी, कभी अपोजिट नहीं जाएंगी. ओके तो मैं कभी नहीं मर सकता, सिर्फ मेरी नेचुरल डेथ ही होगी, मैं कभी ऐसे नहीं मरूंगा. हमें मैं एक मॉर्टल कस्टम, मतलब जैसे और लोग मरते हैं उनका नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल सेरेमनीज होती हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही मरूंगा. मैं लाइक किसी और के हाथों नहीं मरूंगा, मैं नेचुरल डेथ ही मरूंगा जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा, इजंट इट? देन येट माई हार्ट थ्रॉब्स टू नो वन थिंग. Tell me if you art can tell me can tell so much. Shall Banquo's issue ever rhyme in this kingdom? मतलब अब देखो यहाँ पे जो मैकबेथ है वो देखो कितना चालाक है, कहता है कि yet my heart throbs to know one more thing. मतलब आपने इतना कुछ तो बता दिया मुझे, अब मेरा दिल एक और चीज़ जानने का इच्छुक है, एक और चीज़ जानने के लिए तड़प रहा है, मतलब धड़क रहा है, isn't it? थ्रॉब्स का मतलब होता है बहुत जोर जोर से बीट करना, मतलब गेट मेरा जो हार्ट है वो इतनी जोर जोर से एक चीज़ जानने के लिए धड़क रहा है. बताओ मुझे, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कभी बैंकियों के जो बेटा है, बैंकियों के जो, क्योंकि आप सबको पता है जो फ्लेंस था वो भाग गया था, इजंट इट? हमने पढ़ा था एक्ट 3 सीन 1 में फ्लेंस जो है वो भाग गया था, बैंकियों मर गया था. तो अब वो दोबारा पूछता है कि क्या बैंकियों का बेटा कभी इस किंगडम में रूल करेगा, क्या बैंकियों का बेटा कभी किंग बनेगा, जैसे कि पहले तुमने बताया था, जैसे पहले विचेस ने बताया था, विचेस ने सेकंड प्रोफेसी बताई थी कि बैंकियों का बेटा फ्लेंस विल बी द फ्यूचर किंग आफ्टर यू मैकबेथ. तो मैकबेथ पूछना चाहता है कि क्या बैंकियों का बेटा फ्लेंस इस किंगडम पर राज करेगा. तभी जितनी भी तीन जो चुड़ैलें होती हैं, तीन जो एपरिशंस होते हैं, वो चिल्ला देते हैं सीक टू नो नो मोर. मतलब ज़्यादा जानने की इच्छा मत रखो, बहुत गुस्से से बोलती हैं कि ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा और जानने का, मतलब ज़्यादा और मत जानो, मतलब और जानने की कोशिश मत करो, चिल्ला देती हैं एकदम से. ओके देन मैकबेथ सेज आई विल बी सेटिस्फाइड डिनाय मी दिस एंड एन इटर्नल कर्स फॉल ऑन यू लेट मी नो व्हाई सिंग्स द दैट कॉल्ड्रन एंड व्हाट नॉइज इज दैट. Now, I will be satisfied. अब यहाँ पर मैकबेथ जो है वो क्या कहता है, एंड कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है तुमसे इसका आंसर दो, और अगर तुमने इसका आंसर नहीं दिया, if you deny me this and an eternal curse and an eternal course fall on you, let me know. मतलब मुझे जानने दो, मुझे जानने दो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हें श्राप लगेगा. मतलब इतना कुछ जानने के बाद भी अभी भी मैकबेथ के अंदर एक डिज़ायर है जानने की, कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि ये जो कॉल्ड्रॉन है, ये जो मटका है, जो अभी मैंने आपको कॉल्ड्रॉन दिखाया था पहले, सबसे पहले दिस वन, ये जो कॉल्ड्रॉन है ये एकदम से क्यों हिला,
क्या कहता है मैकबेथ कि एकदम से क्यों हिला, मुझे बताओ कि मुझे और जानना है कि कैसी नॉइज है, ये क्यों हिल रहा है, व्हाई शिंक्स दैट कॉल्ड्रॉन एंड व्हाट नॉइज इज दैट, मुझे बताओ कि ये कैसी आवाज़ आ रही है और ये जो मटका है, ये जो कॉल्ड्रॉन है, ये नीचे क्यों धसता चला जा रहा है, ओके okay? और अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया तो तुम्हें श्राप लगेगा। देन हॉब बॉयज मतलब वही जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजने लगता है, एक इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया था हॉब बॉय शहनाई की तरह इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट, सॉरी है ना हॉबॉय इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट, तो वो बजने लगता है। देन फर्स्ट विच कहती है शो, ओके देखने दो मुझे, सेकंड विच दोबारा कहती है शो एंड थर्ड विच दोबारा कहती है शो, मतलब मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मुझे देखने तो दो, मैं तुम्हें फर्स्ट विच सेकंड विच थर्ड विच तीनों कहती हूँ कि मुझे देखने तो दो, ये क्यों हिल रहा है, तभी तो मैं तुम्हें बताऊँ। देन सारी विचेस कहती हैं शो हिज आइज एंड ग्रीव हिज हार्ट कम लाइक शैरो एंड सो डिपार्ट, लाइक क्या कहती हैं कि शो हिज आइज एंड ग्रीव हिज हार्ट, कहती हैं जो वो विचेस हैं वो कहती हैं कि इसे देखने दो, इसे देखने दो जिससे कि ये रो पड़े, इसका हार्ट जो है वो रो पड़े, एंड कम लाइक शैडो सो डिपार्ट, और चलो हम शैडो की तरह आए और शैडो की तरह चले जाएं, मतलब कहना चाह रही हैं कि जैसे हम आए थे एकदम से शैडो की तरह, वैसे ही हम शैडो की तरह चले जाएं। देन ए शो ऑफ एट किंग्स, अब जो वो मटका है उसने दिखाई देता है, दे आर एट किंग्स जो मैंने बताए थे आपको, स्टॉट किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड था, रॉबर्ट सेकेंड था, रॉबर्ट थर्ड था और सिक्स अदर जेम्स थे, ओके सिक्स अदर रूलर्स थे जिनका नाम क्या था जेम्स, तो यही एट किंग्स हैं। एंड द लास्ट विद अ ग्लास इन हिज हैंड, और जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला गोस्ट है उसके हाथ में एक क्या है मिरर है। अब वो लास्ट गोस्ट कौन है, वो लास्ट गोस्ट बैंक्यो का है, ठीक है याद रखेंगे लास्ट गोस्ट क्या था, बैंक्यो का था, उसके हाथ में एक शीशा था, ठीक है। तो विद अ ग्लास इन हिज हैंड गोस्ट ऑफ बैंक्यो, किसका गोस्ट है, बैंक्यो का गोस्ट है जो कि फॉलो कर रहा है उन सारे गोस्टेस को। अब देखो यहाँ पे एट किंग्स आए हैं, ओके एट किंग्स जो कि मैंने अभी बताए थे आपको, किसके किंग हैं ये भाई, आपके स्टॉट किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड हैं, जेम्स फर्स्ट है, जेम्स सेकंड है और एट अदर जेम्स हैं, रॉबर्ट सेकंड है, रॉबर्ट थर्ड है और अदर जेम्स हैं, ठीक है ये सब एट किंग्स हैं, और बैंक्यो है जिसके हाथ में एक शीशा है। देन मैकबेथ सेज, अब वो मैकबेथ बैंक्यो को देखकर कहता है, जो वो मैकबेथ है वो बैंक्यो से कहता है, अब यहाँ पर मैकबेथ सबसे कहता है, जितने भी किंग्स थे उधर, किंग सेकंड, रॉबर्ट सेकंड, रॉबर्ट थर्ड, उन सबसे कहता है, जेम्स से कहता है, ओके तो सबसे कह रहा है, सबसे पहले वो कहता है बैंक्यो से, दाउ आर्ट टू लाइक द स्पिरिट ऑफ बैंक्यो, जाउ दाय क्राउन द सेयर माइन आइस बॉल्स, मतलब सबसे पहले बैंक्यो से कहता है कि तुम तो बिल्कुल बैंक्यो की तरह लग रहे हो ना, तुम तो बिल्कुल बैंक्यो के गोस्ट की तरह लग रहे हो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, डाउन का मतलब है यहाँ से चले जाओ। और फिर वो किससे कहता है, फर्स्ट किंग से कहता है, फर्स्ट किंग से कहता है, क्या कह रहा है, जो ये स्पीच है मैं लिख देता हूँ इधर, ये स्पीच इसने बैंक्यो से कही थी, ओके और ये जो स्पीच है ये फर्स्ट किंग से कह रहे हैं, जो फर्स्ट किंग है उससे, ओके फर्स्ट किंग से कहा जा रहा है, ओके दाय क्राउन डस सेयर माई आइस बॉल, मतलब तुम्हारा ये जो क्राउन है, तुम्हारा जो ये मुकुट है वो मेरी आंखों में दर्द कर रहा है। मैकबेथ क्या कह रहा है कि तुम्हारा क्राउन मेरी आंखों में दर्द कर रहा है, और अब ये जो चीज़ है एंड दाय हेयर, ये एंड दाय हेयर ये किससे कह रहा है, ये सेकंड किंग से कह रहा है, ये सेकंड किंग से कह रहा है, एंड जो तुम्हारी बाल है वो द अदर गोल्ड बाउंड ब्रो इज लाइक द फर्स्ट, मतलब तुम्हारे जो बाल हैं वो बिल्कुल फर्स्ट वाले किंग की तरह हैं, ओके तुम्हारे जो बाल हैं वो बिल्कुल क्राउन की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल जो क्राउन होता है उसकी तरह लग रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट किंग की तरह, जैसे फर्स्ट किंग के बाल थे वैसे ही तुम्हारे बाल हैं,
ओके, ये सेकंड किंग से कह रहा है। अब थर्ड किंग से कहता है, थर्ड किंग से क्या कह रहा है कि अ थर्ड इज लाइक द फॉर्मल, और जो थर्ड किंग है ओके दैट इज लाइक द सेकंड वन, जो थर्ड किंग है वो उस किसकी तरह है, सेकंड किंग की तरह है, फिल्टी हैग। अब वो विचेस से कहता है कि नेस्टी विचेस, मक्कार विचेस, व्हाई डू यू शो मी दिस, मतलब मुझे ये क्यों दिखा रही हो तुम, मुझे ये क्यों दिखा रही हो। अ फोर्थ स्टार्ट्स आईज, और जो फोर्थ किंग है ओके, फोर्थ किंग है वो क्या करता है, द फोर्थ किंग उसकी आंखें निकल जाती हैं उसके सॉकेट से, जो उसका सॉकेट है उससे उसकी आंखें निकल जाती हैं। देन व्हाट विल द लाइन स्ट्रेच आउट टू द क्रैक ऑफ डूम, क्या ये लाइन बिल्कुल अंत तक जाएगी, मतलब क्या इस लाइन का कोई अंत नहीं है, क्या ये लाइन एटर्निटी तक जाएगी। ओके मैं दूसरे पेन से कर रहा हूँ। What will the line stretch out to the crack of doom का मतलब है क्या ये लाइन अंत तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। ओके another yet a seventh I'll see no more, दोबारा ये सेवन्थ वन आ गया, देखो ये सेवन्थ वन, मैं तो इसे बिल्कुल देखना ही नहीं चाहता हूँ, ये सेवन्थ किंग को मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। एंड येट द एट्थ अपियर हु वियर्स अ ग्लास विच हु बियर अ ग्लास विच शोज मी मैनी मोर, और जो एर्थ है जिसके पास मिरर है ओके वो तो उसे तो मैं बहुत देख चुका, उस किंग को मैं बहुत देख चुका, विच शोज मी मैनी मोर का मतलब मैं उस किंग को बहुत देख चुका हूँ और अब मैं उस किंग को नहीं देखना चाहता। ओके उस एर्थ किंग के बाद और भी किंग हैं, ओके उस एर्थ किंग के बाद और भी किंग हैं। देन ओके मी मैनी मोर का मतलब है उस एर्थ किंग के बाद, जो ये एर्थ किंग है इसके बाद और भी किंग आए हैं। ओके एंड सम आई सी, और इनमें से कुछ को मैंने देखा है, दैट टू फोल्ड वॉल्स एंड ट्रेवल्स सेप्टर कैरी, और बाकी के जो दो हैं ओके बाकी के जो दो हैं ओके यहाँ पे समझेंगे आप ध्यान से, That two fold walls and treble scepter carry. Two fold walls कौन है, two fold walls आपके दो crowns हैं, दो crowns मतलब दो king हैं, the king of English मतलब England का king, यहाँ पर समझेंगे इस word को, king of England okay, और king of Scotland, Scotland का king है, दो king यहाँ पर बताए गए हैं। ओके और जो ट्रेबल सेप्टर है ये तीन किंगों का है, थ्री किंगडम है यहाँ पर, सबसे पहले कौन आते हैं, जेम्स फर्स्ट के अंदर तीन किंगडम आती हैं आपके, इंग्लैंड इंग्लैंड वेल्स एक जगह का नाम है ये, और थर्ड आपका आता है स्कॉटलैंड। ठीक है ये आपको लिखना है, ठीक है वेल्स की मैं स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ, आपके इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो दो फोल्ड वॉल्स हैं वो उसमें दो किंग आते हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड और किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। और ट्रेबल सेप्टर किंग हैं उनमें तीन किंग आते हैं, इंग्लैंड के किंग, वेल्स के किंग और आपके स्कॉटलैंड के किंग, ठीक है। ये सारे किंग्स को देखने के बाद फिर मैकबेथ कहता है हॉरिबल साइट, नाउ आई सी दिस ट्रू, नाउ हियर मैकबेथ सेज ये कितना हॉरिबल है, इट लुक्स वेरी स्पूकी, दिस इज वेरी 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 स्पूकी, ओके फॉर द ब्लड बोल्टर्ड बैंक्यो स्माइल्स अपॉन मी, मतलब ये जो ब्लडी बैंक्यो है ओके जिसके मुंह पर सब ब्लड लगा हुआ है ये मेरे ऊपर स्माइल करता है और सारा ब्लड मेरे ऊपर स्प्लैश कर देता है। ओके इसका सारा ब्लड मेरे ऊपर चला जाता है, एंड पॉइंट्स एट दैम फॉर हिज, और फिर वो अपने जितने भी जनरेशन हैं, पॉइंट एज दैम मतलब अपनी जितनी भी जनरेशन है अपने डिसेंडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है, मतलब कहना चाह रहा है मैकबेथ कि ये जो ब्लडी बैंक्यो है ये मक्कार बैंक्यो है ये जब हंसता है तो इसका सारा ब्लड मेरे ऊपर आ जाता है, सारा ब्लड मेरे ऊपर स्प्लैश हो जाता है, और बाकी के जो इसके डिसेंडेंट्स थे है ना जिसके आने वाली पीढ़ियाँ थीं उन सबको वो अपना पॉइंट आउट करके दिखाता है कि ये मेरे सारे कौन थे डिसेंडेंट्स थे जिसने तुम्हें जिसको
तुमने मार दिया. ओके, देन व्हाट इज दैट सो, व्हाट इज दैट सो, जब एपरिशन बैनिश हो जाते हैं, देन जितने भी एपरिशन्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं. एंड व्हाट इज दिस सो, देन फर्स्ट विच जो है वो क्या कहती है कि ए सर ऑल दिस इज सो बट व्हाई स्टैंड्स मैकबेथ दस अमेजिंगली, कम सिस्टर चीयर वी अप हिज स्पिरिट्स एंड शो द बेस्ट ऑफ आवर डिलाइट्स. नाउ मैकबेथ नाउ विच सेज कि ये सारा सच है सर, ये जो आपने देखा ये सब सच है, पर आप इतने परेशान क्यों हैं, आप इतने अमेज्ड क्यों हैं. ओके, तभी वो कहती है कम सिस्टर्स चीयर अप, चीयर बी अप दिस स्पिरिट्स एंड शो द बेस्ट ऑफ आवर डिलाइट, आई विल चार्म द एयर टू गिव अ साउंड व्हाइल द परफॉर्म यू एंटिक ग्राउंड दैट दिस ग्रेट किंग मे काइंडली से आवर ड्यूरीज डिड हिज वेलकम पे. नाउ अब जो विचेस हैं वो कहती हैं कि आओ बहनों. ओके, आओ. अब वो सारी स्पिरिट्स को बुलाती है और कहती है कि लेट्स शो हिम दैट हाउ वी कैन डू डांस, हम कैसे डांस करते हैं. लेट्स डिलाइन, आई विल चार्म द एयर टू गिव अ म्यूजिक, मतलब मैं एयर में जादू कर दूंगी जिससे कि वो म्यूजिक करे. अब देखो विचेस यहाँ पे डांस करेंगी, विचेस राउंड होकर, जैसे एक विच ये है, दूसरी विच ये है, तीसरी विच ये है, चौथी ये, पांचवी ये सब राउंड वाला डांस करेंगी घूमकर इस तरीके से, है ना. तो अब वो जो विचेस हैं वो क्या कहती हैं कि मैंने जो एयर है उसमें जादू कर दिया है जिससे कि वो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सके. ओके, तब तक हम अपना ओल्ड डांस प्रोड्यूस करते हैं. एंटिक राउंड मतलब अपना ओल्ड डांस. ओके, अपना ओल्ड डांस हम अपना, एंटिक राउंड का मतलब है ओल्ड विच डांस. ओके, ओल्ड डांस हम अपना तब तक ओल्ड डांस प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड आर ड्यूटीज डिड हिज वेलकम पे, और हमारी ड्यूटी है ओके कि हम अपने नॉवल किंग को, अपने नॉवल किंग को एक हार्टी वेलकम, एक हार्टी रिस्पेक्टफुल वेलकम दें. ओके, हमारी ये ड्यूटी है. देन म्यूजिक द विचेस डांस एंड देन वैनिश विद हेकेट, म्यूजिक चलता है, विचेस डांस करती हैं और फिर हेकेट के संग गायब हो जाती हैं. Then Macbeth says, where are they gone? Let this pernicious hour stand echoes in the calendar. Come in without them. मतलब वो विचेस कहाँ चली गई, कहाँ चली गई. ये जो वक्त है इस वक्त को कैलेंडर में सबसे श्रापित वक्त घोषित कर दिया जाए. ये कहना चाह रहा है मैकबेथ कि ये एविल जो आर है इसे कैलेंडर में सबसे कर्ज आर का नाम दे दिया जाए. मतलब ये दिन जो आज का दिन है ये जब भी आए सबसे कर्ज दिन आए, इसे ऐसा डिनोट कर दिया जाए, इसे ऐसा अनाउंस कर दिया जाए. ओके, कम इन विदाउट देयर, मतलब कम इन अंदर आओ, विदाउट देयर हूएवर स्टैंडिंग आउट, जो भी बाहर खड़ा है वो अंदर आए. मतलब नाउ बाहर कोई खड़ा होता है तो मैकबेथ कहता है कि अंदर आओ जो भी बाहर खड़ा है. अब नाउ एंटर लेनॉक्स, लेनॉक्स एंटर करता है. लेनॉक्स सेज What's your grace will, मतलब what's your grace will, मतलब आप क्या चाहते हैं ग्रेस, आप क्या चाहते हैं मैकबेथ. ओके, ऑर्डर कीजिए, आप क्या चाहते हैं. देन मैकबेथ सेज saw you the बियर सिस्टर्स, क्या तुमने बियर सिस्टर्स को देखा, क्या तुमने विचेस को देखा जाते हुए. देन लेनॉक्स सेज नो माई लॉर्ड, नहीं मैंने तो नहीं देखा. देन मैकबेथ सेज केम दे नॉट बाई यू, देन मैकबेथ सेज क्या वो ये तुम्हारे पास से नहीं गुजरी, क्या विचेस जो हैं वो तुम्हारे पास से नहीं गुजरी. देन लेनॉक्स सेज नो इंडीड माय लॉर्ड, नहीं वो मेरे पास से नहीं गुजरी सर. देन मैकबेथ सेज इन्फेक्टेड बी द एयर वेयर ऑन दे राइड, मतलब जहाँ से भी वो गुजरी होंगी उस जगह को, उस हवा को उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया होगा, दूषित कर दिया होगा. एंड डैम्ड ऑल दोज दैट ट्रस्ट देम आई डिड हियर, और जो भी उन पर ट्रस्ट करता है, ओके, जो भी उन पर विश्वास करता है वो उन पर लानत है, उन पर मुझे बहुत गुस्सा आता है जो भी उन पर विश्वास करता है. ओके, आई डिड हियर द गैलोपिंग ऑफ हॉर्स हु वॉज इन केम बाई, मतलब मैंने आवाज़ सुनी, मैंने हॉर्सेस की आवाज़ भी सुनी है,
कौन तुम्हारे साथ, कोई और भी आया है? ओके तुम्हारे साथ क्या कोई और भी आया है? मैंने जो हॉर्सेज हैं उनकी आवाज़ सुनी थी। देन लेनॉक्स सेज दिस इज टू और थ्री माई लॉर्ड दैट ब्रिंग यू वर्ड, मैकडफ इज फ्लीड टू इंग्लैंड। नाउ अब जो मैक लेनॉक्स है, ओके लेनॉक्स है, वो कहता है कि ये दो तीन लोग आए हैं, ओके दो तीन आदमी आए हैं, आपको एक मैसेज लाए हैं कि जो मैकडफ था वो इंग्लैंड भाग चुका है। ओके वो इंग्लैंड को भाग चुका है। देन मैकबेथ से फ्लीड टू इंग्लैंड, क्या इंग्लैंड भाग गया मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग गया? देन लेनॉक्स सेज यस माय गुड लॉर्ड, हाँ वो इंग्लैंड भाग गया है। देन मैकबेथ सेज, अब मैकबेथ कहता है, अब मैकबेथ यहाँ पे अपने आप से ही बातें करता है, क्या कहता है? टाइम दाउ एंटिसिपेट्स माय ड्रेड एक्सप्लोइट्स, मतलब जो टाइम है ओके वो मेरे इस प्लान जो मेरा टेरिबल प्लान था इसे मारने का, किसको मारने का? मैकडफ को मारने का। ठीक है मेरा जो प्लान था मैकडफ को मारने का उसके बीच में टाइम जो है वो आ रहा है। ओके टाइम मेरे बीच में आ रहा है। सो द फ्लिटी पर्पस नेवर इज अनलुक्ड, जो ये खून का काम है, ये जो खूनी काम है, द फ्लाइटी पर्पस नेवर इज ओवरलुक्ड अनलेस द डीड गो विद इट फ्रॉम द मोमेंट, मतलब वो अपने आप से ही कहता है कि मैकबेथ जब तक तुम ये काम जल्दी से जल्दी नहीं कर दोगे, जब तक तुम मैकडफ को जल्दी से जल्दी नहीं मार दोगे, तब तक तुम्हें कभी भी चांस नहीं मिलेगा ये करने का, क्योंकि अब मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग रहा है, तो इंग्लैंड भागने से पहले ही तुम्हें मैकडफ को मारना होगा। ओके देन द वेरी फ्रिस्टलिंग ऑफ माई हार्ट शैल बी द फ्रिस्टलिंग ऑफ माई हैंड, मतलब जो मेरे दिल में अभी ये फर्स्ट आइडिया आया है मैकडफ को मारने का, ये मुझे अपने हाथ से कंप्लीट करना होगा, मतलब जो मैं अभी तक सोच रहा हूँ अब मुझे वो करना होगा, मुझे मैकडफ को मारना होगा। अब सेकंड शिकार कौन है मैकडफ का? मैकडफ। तो कह रहा है कि जो मैं अभी दिमाग में अपनी सोच रहा हूँ मैकडफ को मारने का, उसे मुझे अपने हाथ से कंप्लीट करना होगा। ओके जब तक मैं अपने हाथ से कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक ये नहीं होगा। ओके देन एंड इवन नाउ टू क्राउन माई टॉट विद एक्स बी इट टॉट एंड डन, और एंड इवन नाउ अब वो कहता है कि मैं अब इमीडिएटली अपने जो भी थॉट्स आ रहे होंगे मेरे अंदर उसे मैं अपने हाथ से कंप्लीट करूँगा। जैसे अभी मेरे अंदर एक थॉट आया मैकडफ को मारना है ना, तो अब मैं अपने हाथ का यूज़ करके मैकडफ को मारूंगा, ये नहीं कि मैं पहले सोच रहा हूँ बहुत दिनों तक सोच रहा हूँ। जैसे मैकबेथ ने पहले डंकन के बारे, जब डंकन की डेथ हुई थी, डंकन का मर्डर हुआ था, तो मैकबेथ ने बहुत सोचा था कि मैं मर्डर करूँ नहीं करूँ, मतलब बहुत दिनों से उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि डंकन को मारना चाहिए नहीं चाहिए। पर अब मैकबेथ जो इतना डेवलप्स बन चुका है, इतना राक्षस बन चुका है कि अब वो कह रहा है कि मुझे दिमाग से ज़्यादा, जैसे ही मेरे दिमाग में एक एक्शन आना चाहिए मुझे तुरंत एक्शन लेना चाहिए अपने हाथों से, तुरंत वो काम अपने हाथों से कर देना चाहिए। ओके द कैसल ऑफ मैकडफ आई विल सरप्राइज सीज अपॉन फाइव गिव टू द एज ऑफ द सोल्ड हिज वाइफ हिज बेब्स एंड ऑल अनफॉर्चुनेट सोल्स दैट ट्रेस हिम इन हिज लाइन, और जो मैकडफ का कैसल है, ओके मैकडफ का कैसल है, मैं उस पर अचानक से एक अटैक बोल दूंगा, उस पर अटैक कर दूंगा, और जो फाइव है ओके उसको भी अपने अंडर ले लूंगा, उसको भी मैं कैप्चर कर लूंगा। ओके और मैं मैकडफ की वाइफ और उसके बच्चे, हिज वाइफ एंड हिज वेव, मतलब उसके जो वाइफ है, उसके बच्चे, उसके किड्स हैं, उन सबको मैं मार दूंगा। मैं उसकी किसी भी इनहेरिटेंस को, जो भी उससे जुड़ा हुआ है, जो भी उसका रिश्तेदार है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। नो बोस्टिंग लाइक अ फूल दिस डीड आई विल डू बिफोर दिस पॉपर स्कूल, मतलब मुझे ये डीड जल्दी से जल्दी करना होगा जब तक कि मेरा जो सेंस है, सेंस ऑफ पर्पस है, वो बदल जाए, जब तक मैं, मतलब मेरा इरादा बदल जाए, मुझे उससे पहले ही मैकडफ को और उसकी फैमिली को मारना होगा। ठीक है इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, बट नो मोर साइट्स का मतलब अब कोई भी डरावनी चीज़ नहीं आए मेरे सामने।
ओके, जैसे कि अभी तक स्प्रिट्स आ गई थी, हिकेट आ गए थे और एप्रिएशंस आ गए थे, इतनी सारी डरावनी चीज़ें आ गई। तो अब मैकबेथ क्या कह रहा है कि अब मेरे आगे कोई भी डरावनी चीज़ नहीं आएगी, अब मैं सीधे क्या करूँगा, मैकडफ की फैमिली और मैकडफ को मार दूंगा। ओके, वे यू दीज जेंटलमैन कम ब्रिंग मी वे दे आर। अब यहाँ पर जेंटलमैन किससे कह रहा है, अपने मैसेंजर्स से, ठीक है, अपने मैसेंजर्स से कह रहा है कि कहाँ हो मेरे मैसेंजर्स, जल्दी आओ और मुझे ले चलो जहाँ पर मैकडफ और उसकी फैमिली है, जिससे कि मैं मैकडफ और उसकी फैमिली को मार सकूँ। ओके, दे यहाँ पर किससे डिनोट हो रहा है, मैकडफ और मैकडफ की फैमिली से। ओके, मैकडफ और उसकी फैमिली और उसके है इनहेरिटेंस। तो अब उसका नेक्स्ट चांस क्या है, नेक्स्ट एम क्या है मैकबेथ का, मैकडफ का मर्डर। ठीक है, सो दैट्स इट आफ्टर सो मच लेंथी सीन, वी आर डन विद दिस सीन। ओके, थैंक यू गाइस, हम एक्ट फोर सीन वन कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ वी गोइंग टू सी एक्ट फोर सीन टू एंड सीन थ्री। दैट्स इट गाइस, बाय गाइस। And if you love this video, then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to the channel and press the bell icon. And do tell me in the comment section how was the scene. So bye guys.